रमेश कटके साहब हाँ सर, अवेलेबल हैं आप? हाँ, जी सर, आए और जो विदा पीपल का कॉन्सेप्ट है वो उसको आप डिस्कस करें, बताएं हमारे साथियों को। थैंक यू। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज मैं कहूंगा जय कांशीराम। क्या आज के संदर्भ में, आज का जो दिन है, कांशीराम जी के बारे में हमें बात करनी है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो मिशन शुरू किया था, उस मिशन को नॉर्थ इंडिया में ले जाना, सफल कराना, और बाबा साहब की जो सोशल थियरीज है, सोशल और पॉलिटिकल थियरीज है, उसको इम्प्लीमेंट करने का अगर काम किसी ने किया होगा तो माननीय कांशीराम जी ने किया है। हम बहुत चाहते थे कि कांशीराम जी को लंबी जिंदगी मिल जाती, लेकिन वो हम हमारे बीच में से जल्दी चले गए, वरना वो बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर भी हमें नॉर्थ इंडिया में एक नया मिशन, जो कल्चरल मिशन जोड़ देते, तो एक बहुत बड़ी बात होती। लेकिन कोई बात नहीं है, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि मैन इज मोर्टल, आदमी मरण धर्मी है, सो आर आइडियाज, विचार भी ऐसे होते हैं कि जैसा इंसान को मरना होता है, लेकिन विचारों को प्रचारित और प्रसारित करना, जैसा कि पौधे को, पौधे के साथ हम करते हैं, पौधे को अगर हम खाद नहीं देते, पानी नहीं देते, तो मर जाता है, ऐसा ही विचारों का होता है, ऐसा बाबा साहब ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह के वक्त कहा था। वही विचार माननीय कांशीराम जी ने अपने जीवन में लागू कर लिया। एक किताब पढ़ ली पहले, जैसे पूना में वो साइंटिस्ट थे और उनके सामने वो दीनाभाना जी का आंदोलन था, फिर खापड़े साहब जुड़े उनको, और एक किताब पढ़ते हैं, एक रात में 2 बार किताब पढ़ते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की, और इस किताब से उनको नींद नहीं आती और वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, और अपना सब कुछ छोड़कर वो एक मिशन का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, और धीरे धीरे एक कारवा बन जाता है और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, और वो एक प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते करते वो चले जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। पहला प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया था, महाराष्ट्र में कुछ बात नहीं बनी तो नॉर्थ इंडिया में चले जाते हैं, और आज का जो चित्र हम देखते हैं कि एक इंसान की, बाबा साहब की एक सोच को पकड़ने से क्या चीज हो जाती है, उन्होंने यही कहा कि बाबा साहब की विचारधारा को अपनाया और आगे का आंदोलन शुरू किया। और उनकी, जैसे किसी वक्ता ने अभी भी कहा है कि बहुत सिंपल काम था उनका, साइकिल उठाना, साइकिल के साथ लोगों को जोड़ना, और साइकिल से सारे भारत का भ्रमण करना, अपने साथ जो सूखी रोटी हो या कोई घर का कोई अनाज हो वो ले जाना, और वही लोगों के बीच में बांट कर खाना। तथागत बुद्ध का, धम्म का जो कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट उन्होंने शुरू में अपनाया, और इस वजह से लोग उनके साथ जुड़ते जुड़ते गए। ठीक यही कंसेप्ट है कि उसके बाद के लोगों ने कांशीराम जी को नहीं समझा और हमने दिशा बदल दी, हमने कांशीराम जी के जो मूलभूत काम होते थे वो काम को नहीं पकड़ा, इसीलिए हम अभी ऐसा महसूस होता है कि हम, बाबा साहब ने जो जो बात कही थी, बाबा साहब ने काफी 3-4 बार कहा, जोर देकर कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए, यही बात कांशीराम जी ने अपने पूरे जीवन में लागू की थी, इसीलिए वो उनको उतना सक्सेस मिल पाया। ठीक यही बात करनी है, मैं तो ऐसा समझता हूं कि क्या हम अंबेडकरवादी है कि नहीं, क्या हम बुद्ध के सही फॉलोअर है कि नहीं, अगर बाबा साहब ने जोर देकर कहा है कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए, हम शिक्षित तो बने हुए, बन भी रहे हैं, और बार बार हम कोशिश भी करते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इंटेलेक्चुअल बन जाए, लेकिन दूसरा जो संदेश है वो हमारे जीवन में हम उतार नहीं पा रहे, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि कोई हमारे ऊपर अन्याय नहीं कर सकता जब तक हम संगठित नहीं होते। अगर हम आज भी सोच लेते हैं कि आज से अगर मैं संगठित हो जाता हूँ, मेरे जितने भी गिले शिकवे हैं, मेरे जितने भी अधिकार हैं, मेरा जितना भी सम्मान है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा अहंकार है, ये सारा कुछ अगर मैं छोड़ देता हूं आज और समाज को, समाज के साथ जुड़ जाता हूं, सब कुछ मेरा त्याग कर समाज के साथ जुड़ जाता हूं और समाज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रखता हूं, तो मुझे जुड़ने में कोई कठिनाई नहीं है, और जैसा जैसा हम जुड़ेंगे वैसा वैसा हमारी ताकत अपने आप बढ़ती है।
क्योंकि कांशीराम जी पहले घूमते थे, कुछ चंद लोगों के साथ उन्होंने कारवां शुरू किया और देखते देखते भीड़ सी आ गई उनके बीच और एक आंदोलन खड़ा हुआ। शुरू में तो ऐसा कोई तय नहीं था कि हमें क्या करना है, बस लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और उन्होंने फिर एक के बाद एक संगठन बनाए और उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। और आज का जो जितना हमारा अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस की जो वजह है बाबा साहब के विचारों को नॉर्थ इंडिया में ले जाने का काम उन्होंने किया और इतना बड़ा काम उनके हाथ से हो गया। बस वही काम हमको करना है। हमें कुछ पैसा तो देना नहीं है, क्योंकि विद द पीपल का कंसेप्ट यही बताया जाता है हर दिन कि हमें ना पैसा देना है, ना हमें किसी के साथ दुश्मनी लेनी है, हमें सिर्फ जुड़ना है। खाली हम अगर जुड़ते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो अपने आप में कुछ विचारों का संघर्ष बनेगा। हम एक दूसरे के विचार आदान करते रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में अलग अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है। बाबा साहब को समझने का मेरा ढंग अलग है, तो प्रकाश सिंह सर का अलग है, तो सुधीर राज सिंह से अलग समझते हैं, तो परियार साहब अलग समझते हैं, तो कांचनताई वीर अलग समझती है। हम लोग जैसा कि बुद्ध ने कहा कि एक हाथी है और उस हाथी को अंधे लोगों को बोल दिया गया कि हाथी की पहचान करा दो, तो अंधा जो है किसी पैर को पकड़ लेता है तो कहता है कि खाम जैसा है, कोई सूंड को पकड़ लेता है तो कहता है कि ये तो रस्सी जैसा है, सॉरी अगर पूंछ को पकड़ लेता है तो वो कहता है कि रस्सी जैसा है, वो पीठ को पकड़ लेता है हाथ लगा तो कहता है दीवार जैसा है। लेकिन वहां पर एक जो आंख वाला आदमी है वो आ जाता है और वो कहता है कि आप तो बात सही कह रहे हो, लेकिन आप अधूरी बात रख रहे हो, जो आप सारे लोग जो सोच रहे हो इसका जो मिलाप है वही सच है। हम ठीक ढंग से यही ऐसा ही करते हैं। बाबा साहब को मैं मेरी समझ से समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि जितना मुझे बाबा साहब समझ रहे हैं वही असली बाबा साहब है, वही कांशीराम जी की विचारधारा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। हम जब सारे लोग इकट्ठा बनेंगे, हमारी सोच को इकट्ठा करते जाएंगे, हर दिन हम विचारों का परामर्श करते जाएंगे, एक दूसरे के साथ हम विचारों को जोड़ते जाएंगे, तो संगठन बनेगा, संघ बनेगा। क्योंकि संगठन में और संघ में इतना फर्क है कि संघ में कुछ लेना नहीं होता है, संघ में सिर्फ दिया जाता है। और बुद्ध का एक कथन है कि एज यू गिव यू रिसीव, जितना आप दोगे उतना आपको रिटर्न भी मिलने वाला है। हम समाज के साथ जुड़ेंगे, समाज को सिर्फ देते जाएंगे तो उसमें से मुझे जरूर मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम आज 100 200 200 लोग हैं, आज की सभा में 92 लोग हैं हम लोग, अगर हम 92 लोग आज से ये सोचते हैं कि आने वाले एक मंथ में मैं अकेला 92 में से जो मैं हूँ, मैं अगर 10 लोगों को तहे दिल से जोड़कर काम करता हूँ, तो ये 92 का सीधा 900 लोगों तक जाता है। 920 लोग हम जोड़ सकते हैं अगर हम आज तय कर लेते हैं कि मैं बस इतना ही काम करूंगा, जो कि मुझे कंसेप्ट समझ में आया है कि विद पीपल क्या है, तो मैं बस एक ही काम करूंगा आने वाले एक महीने में, और 2 महीने के कालावधि में मैं सिर्फ इतना ही काम करूंगा, मेरे से जिस लोगों का विचार जुड़ता है, मैं बाबा साहब को मानता हूं, मेरे ही तरह अगर कोई बाबा साहब को मानने वाला है तो मैं बस बस उसको इतना ही कहता हूँ कि आप विद पीपल में आई है, यहाँ पर बाबा साहब के विचारों की सोच के ऊपर ही काम हो रहा है, बुद्ध का धम्म आचरित किया जा रहा है, बुद्ध के धम्म के आचरण के बारे में ही यहाँ पर चर्चा हो रही है, और हर तरह का जीवन का जो भी क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये बात मैं इतना ही संदेश में मेरे दोस्त को देना चाहता हूँ। अगर मैं यही बात गंभीरता से लेता हूँ और आज से एक महीने के लिए बस इतना ही काम करता हूँ कि 10 लोगों तक मुझे विचार को पहुंचाना है, तो एक महीने के अंदर हम लोग कम से कम 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वही बात अगर हम एक साल तक लागू करते हैं तो लाखों लोग जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं यहां पर आता हूं, मैं जैसे समझता हूँ संघ को, मैं समझता हूँ बाबा साहब की विचारधारा को, मैं समझता हूँ धम्म की विचारधारा को, बस मैं वही बात किसी और के ऊपर थोपना चाहता हूँ। हमें ऐसा नहीं करते हुए, मैं जो मेरा जितना विचार कर रहा हूँ, ये जैसा एक नदी का पानी समुन्द्र में मिल जाता है, लेकिन समुन्द्र में मिलने के बाद वो मिल जाता है, पहचान नहीं होती कि किस नदी का पानी कहाँ पर है, ऐसे ही संघ का है। मेरी खुद की जो सोच है, जो कि बाबा साहब के सोच के ऊपर ही निर्भर करती है, मैं इस विद पीपल के समंदर में आकर उसको मिला देता हूं,
तो ये समंदर खड़ा हो जाता है और एक कारता बनता बनता जाता है, कारवा बनता है। यही बात हमको हमारे दोस्तों के बीच, हमारे साथियों के बीच, हमारे जो जहां पर मैं काम करता हूं उस ऑफिस के लोगों के बीच, जिस समाज में मैं रहता हूं उनके बीच, और जो मुझसे विचारों का सोच, मेरी विचारों की सोच जिसके साथ बनती है, जुड़ती है, उसके साथ अगर मैं जुड़ जाता हूँ तो हमारी बात बन जाती है। बुद्ध ने धम्म पद में कहा है कि न परेश विलोमानी न परेश कथा कथन अपनो अवेक्ष्य कथानी अकथानी च। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैंने इस संघ के साथ जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब मैं इसी बात पर सोचूंगा तो मैं सारे मेरे खुद के ईगो छोड़ दूंगा, मैं मेरा अहंकार को छोड़ते हुए मेरा पद को छोड़ दूंगा, मेरी प्रतिष्ठा को छोड़ दूंगा, तो मैं इस संघ के साथ जुड़ता जाऊंगा और विद द पीपल का कारवा बढ़ता ही जाएगा। श्रद्धांजलि मानवर कांशीराम जी को है आज के दिन। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप सभी को, इतनी ही मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस इतना ही सोचिए कि ये बाबा साहब का आंदोलन आज इस कगार पर खड़ा हुआ है। हम लोग बहुत ही मुश्किल में फंसे हुए, क्योंकि संविधान मुश्किल में नहीं है, संविधान तो एक कागज है, संविधान तो एक विचारधारा है, वो संविधान खतरे में नहीं है। संविधान इंप्लीमेंट नहीं होने की वजह से हम लोग मुश्किल में है। लखीमपुर की घटना अगर हम देखते हैं तो हमारे आर्टिकल 12 से 35 के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है पूरे वायलेट हो चुके हैं, एक भी हमारा फंडामेंटल राइट हमें नहीं मिल रहा है। ये इस घड़ी में अगर मैं जागरूक नहीं होता हूँ, इस घड़ी में अगर मैं विद द पीपल से नहीं जुड़ता हूँ, तो मेरे जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा। बस इतना ही मैं अगर सोच लेता हूँ तो विद द पीपल का कारवा जुड़ जाने वाला है, और ये प्रेशर समाज के लोक प्रतिनिधि के ऊपर आएगा। जितना जितना समाज के साथ हम जुड़ेंगे, संघ में जुड़ेंगे, उतना पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। और जैसा बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन, हर राजकीय क्रांति को करने से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का होना बहुत अनिवार्य है। यही बात माननीय कांशीराम जी ने कही है और यही बात हमें करनी है। हमें कुछ दोहराना नहीं है, हमें सिर्फ जो हमारे पुरखों ने किया है, ज्योतिबा फुले ने कहा है, सावित्री बाई ने किया है, कबीर जी ने कहा है, बुद्ध के जितने भी भिक्खु लोग हैं उन्होंने किया है और बाबा साहब ने किया है, वही हमें बात दोहरानी है। बस दोहराते वक्त मेरा ईगो, मेरी पर्सनल बात, मेरा पर्सनल अहंकार इसको नहीं लाना है। अगर ऐसा करेंगे तो वी द पीपल का कारवा बढ़ेगा और आने वाले समय में हम जागरूक होकर इस संघ को बड़ा ताकतवर संघ बनाएंगे। यही मैं कहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। धीराज सर जी, जी सर बोलिए। सारा का सारा बोझ समाज महापुरुष के ऊपर डाल के और नमन करके निकल जाता है और महापुरुष के गुणगान शुरू कर देता है, महापुरुष की फोटो लगाता है, महापुरुष की व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति की घटनाओं के बारे में जिक्र करता है, थोड़ा सा इमोशनल होता है, थोड़ा सा इमोशनल करता है और महापुरुष का काम खत्म कर देता है। हमारे जितने भी मेहनत करने वाले लोग हुए हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके मरने के बाद उनका जिक्र करना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके मरने के बाद उनकी मूर्ति लगाना, उनकी जय जयकार करना। एक सिंगल व्यक्ति ने, एक सिंगल महिला ने कभी नहीं कहा कि जब हम मर जाएं तो तुम हमारे बारे में ऐसा कहना कि हमने वहाँ खाना खाया, हमने वहाँ पानी पिया, वहाँ हमें मिला नहीं, हमारे कपड़े फटे थे, एक जूड़े छूते थे। वो हमेशा ये कह के गए हैं कि जो कारवां हम आगे तक लेके आए हैं वो कारवां आगे बढ़ाना है। हर एक व्यक्ति ने ये कहा है और हर एक व्यक्ति ने ये कहा है कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, अगर लोग नहीं चाहते तो ये चमत्कार नहीं होता। कोई भी महापुरुष हो, जब तक लोग नहीं चाहेंगे वो चमत्कार नहीं हो सकता, वो महापुरुष नहीं बन सकता, वो काम ही नहीं हो सकता। साहब कांशीराम जी से पहले हमारे बुलंदशहर में, खासतौर से बुलंदशहर के आसपास के जिलों में, जो खानचंद गौतम, जिनको संप्रिय गौतम बोलते हैं, उन लोगों ने और टीम थी उसमें, कुछ
तीन बड़ी जबस थी, उसमें मेरे परिवार के लोग, तो वो सब लोग इतनी मेहनत करते थे और वो एरिया साहब काशीराम से पहले तैयार था। साहब काशीराम जी को उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार मिली, इसलिए वहां पर जल्दी काम हुआ और लोगों ने अपने फंड निकाल निकाल के, अपने घरों के बच्चों के खाने निकाल निकाल के साहब काशीराम जी को दिए, काशीराम जी को तोला, हमने देखा अपनी आंखों से हमारे परिवार के लोगों को। और जो मूवमेंट के लिए जो आदमी कर सकता था भूखा नंगा उसने किया। वो मूवमेंट जितनी भी हमारी बनती हैं वो अगर व्यक्ति के नाम लिख जाती हैं और फिर व्यक्ति को बाद में पूजना शुरू कर दें, उसका गुणगान शुरू कर दें, तो नेक्स्ट मूवमेंट, अगली मूवमेंट के लिए भारी मुसीबत हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि अगर एक व्यक्ति को आगे हम बढ़ा दें और उस व्यक्ति से थोड़ी बहुत अचीवमेंट ले लें तो अगले नेक्स्ट टाइम में 40-50 साल लग जाते हैं हमें दोबारा अचीवमेंट लेने के लिए, क्योंकि पहले हम गिरेंगे, डाउन होंगे, फिर कोई व्यक्ति आवाज देगा, फिर हमें लगेगा कि उस व्यक्ति की आवाज में दम है तो चलो उसके साथ लगते हैं। तो ये कंटिन्यूअस लगातार मूवमेंट नहीं मिलता व्यक्ति से। और महापुरुष भी कोई इससे खुश नहीं होता कि एक व्यक्ति को आगे रख के काम किया जाए, वो चाहते हैं समाज आगे चले और हर महापुरुष की इच्छा होती है कि उसके जाने के बाद उसका काम निरंतर चलता रहे। और कई बार लोग नहीं करने देते, व्यक्ति का जय जयकार कर देते हैं, व्यक्ति के रहते रहते लोग मूर्तियां लगा लेते हैं, व्यक्ति खुद अपनी मूर्तियां लगा लेता है। ये सब हमारे जो संघ वाला कॉन्सेप्ट है, संघ वाला जो मूवमेंट है, उसके लिए रुकावटें हैं और ये हमारे मौत का सामान है। दरअसल हमें जब नमन करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध को कैसे पूजना चाहिए, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि बुद्ध को पूजने के लिए कुछ मोमबत्ती जला दो, कुछ धुआं सा कर दो और नीचे झुक जाओ, नमन करो, दंडवत प्रणाम करो, तीन बार प्रणाम करो, बुद्ध का पूजा हो गया। मगर पूजा का जो मतलब है पाली में वो है पा जानती, मतलब पा माने होता है पीला, यानी पीले कपड़े वालों के जो वचन है उनको जानना, ये है पा जानती यानी पूजा, यानी पूजती, पूजेमी या पावन वचन पूजेमी, तो उसको पूजा बोल दिया शॉर्ट में, यानी कि पीले कपड़े वालों के जो वचन है उनको जानना, ये है पूजा का मतलब। तो बुद्ध की असली पूजा कैसे होती है? बुद्ध को जानना और उसको अपनाना। तो बुद्ध मरते समय कहते हैं कि भाई मुझको देखना हो, मुझसे मिलना हो, वो जानते हैं कि लोग उनकी मूर्तियां बना सकते हैं, उनको देखने के लिए ललायत होंगे कि कैसे बुद्ध थे कैसे नहीं है, हो सकता है। तो मरते से पहले कहते हैं कि अगर बुद्ध को जानना है तो धम्म को देखना, धम्म को देखोगे तो मैं दिखाई दूंगा। मतलब साफ कह दिया, दूरदर्शी आदमी है, कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मूर्तियां सूर्तियां बना लोगे, इसलिए अगर मुझे देखना हो तो धम्म को देखना। कह के गए, फिर भी मूर्तियां बना दी, फिर भी धूपबत्ती जला दी, फिर भी वहां झुक झुक के कर रहे हैं काम को, सारा बुद्ध का जितना भी वचन था वो सब मिट्टी में मिला दिया और लगे पूजा पाठ में। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का जय भीम और जय अम्बेडकर और नारे और दुनिया भर का 14 अप्रैल और ये सब, और इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे लोग हैं कि अगर मतलब अगर थूक भी दें तो समुद्र भर जाए और उसी में बेड़ा पार हो जाए, मगर इकट्ठे नहीं होते। वो महापुरुष की बात नहीं मानते। महापुरुष ने कहा इकट्ठे होना, इकट्ठे होना, ना ना महापुरुष तेरी बात साइड में गई भाई, तू महापुरुष है, बस महापुरुष बना रहे, देख हम तेरी मूर्तियां लगा रहे ना लगा रहे, हमने हर मोहल्ले में तेरी मूर्ति लगा नहीं लगाई, हमने हर मोहल्ले में संगठन बनाया नहीं बनाया, बाकी हम तेरी बात कुछ नहीं मानेंगे, तू साइड में बैठ जा भाई महापुरुष, हम तेरी जय जयकार करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, अपना नाम कमाएंगे, तेरी फोटो के साथ में अपना फोटो बड़ा लगाएंगे, तेरे नाम के साथ में अपना बड़ा नाम लगेगा, कार्यक्रम तेरा होगा मगर नाम हमारा होगा, क्योंकि हमको अपना नाम चमकाना है, आगे हमें कुछ पोजिशन लेनी है। तो महापुरुष की सारी बातें बेकार करके और सब कुछ कर दिया, बड़े बड़े पोस्ट लगा दिए लोगों ने, मगर सब बेकार, क्योंकि काम ही नहीं होता। तो जो कारवां जो कह के गया महापुरुष के, भाई मेरे कारवां को पता है, महापुरुष को, कि ये लोग ऐसे हैं कि हो सकता है फोटो छपवाने में लग जाए, नाम चमकाने में लग जाए, मेरा कारवां आगे ना बढ़ाए, उसे अपने कारवां की चिंता है, वो जानता लोगों, तो कहता है भैया कारवां ना बढ़े तुमसे तो वही छोड़ जाना। देखो कितना दूरदर्शी व्यक्ति होता है आदमी महापुरुष। तो साहब काशीराम कितने दूरदर्शी व्यक्ति हैं, साफ साफ कहते हैं कि भैया ये जो मूवमेंट है आगे चलानी है, तो कैसे चलानी है मूवमेंट, ये देखो
ये किताब है जो मैंने लिखी थी, साहब काशीराम जाने वाले थे उस समय। ये किताब कहती है मान्यवर की असली इच्छा और 6 करोड़ 4 करोड़ की होगी दीक्षा। बिल्कुल सही कहा सर। अब ये जो 4 करोड़ की दीक्षा है, ये किताब लिखी थी मैंने 23 जुलाई को, जब साहब काशीराम जी जिंदा थे। और साहब काशीराम जी जिंदा क्या, मरे से समझो, क्योंकि पहले आदमी थे, वो बोल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये किताब हमने लिखी क्योंकि हम दम दीक्षा कार्यक्रम उस समय कर रहे थे, बाबा साहब का गोल्डन जुबली दीक्षा रहा था, और किसी आदमी ने कोई जितनी संस्था है सबने हाथ खड़े कर दिए। तो 23 जुलाई 2006 को शाह ऑडिटोरियम में, और 29 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम था, और 8 अक्टूबर को खबर आई कि साहब काशीराम जी चले गए। तो 8 अक्टूबर को डिक्लेयर नहीं किया रात को, और उनकी जो डेड बॉडी है उसको आनंद फानन में बहुत तेजी से, मतलब लोग दौड़ रहे हैं, मतलब पीछे उनके दौड़ रहे हैं, डेड बॉडी को भी ऐसे इस तरह से वहां पहुंचा दिया निगम बोध घाट पे इतनी जल्दी में कि लोग देख ही ना पाए, दर्शन ना कर पाए। मेरे पास कैमरा होता था, कुछ मैंने कैमरा कुछ फोटो वहां उतारी थी, वहां लोग जुट नहीं पाए, ज्यादा कम आए, और राजनाथ भी आया था। तो ये सब वहां जल्दबाजी में हुआ। फिर किसी ने बताया कि उनके साहब के जो फोटो थे वो बोरे भर के फोटो किसी ने जलवा दी। अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो महापुरुषों का जो काम है, अगर नमन करना है आपको, अगर आप चाहते हो कि साहब काशीराम जी को नमन करना चाहते हो सच में, तो भाई उनका काम पूरा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि देखो मैंने बहुजन पार्टी तो बना ली मगर मैं बहुजन समाज नहीं बना पाया। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि आदमी अपनी असफलता, महापुरुष अपनी असफलता बता रहा है कि मैं बहुजन समाज नहीं बना पाया। इसका मतलब यह है कि एक जाति का समाज बना है, बहुजनों का, सब लोगों का समाज नहीं बना, प्रयास बहुत किया। इतने सिंपल शब्दों में अपनी असफलता, तो उस असफलता को दूर करो भाई, समण समाज बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली समण समाज बनना है, सारे काम ऐसे होने हैं। तो महापुरुष को रोज नमन करो आप। रोज नमन करने का मतलब है कि उनका रोज काम करो। आप याद मत करो एक बार भी, महापुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ेगा, महापुरुष को फर्क नहीं पड़ेगा। महापुरुष का काम कर दोगे तो महापुरुष को नमन हो जाएगा। वो जब 8 तारीख को एक्सपायर हुए, 9 तारीख को, तो मैं निगम बोध घाट में हम गए आधा घंटे के लिए, वहां गए, उसके बाद हम वापस आ गए, क्योंकि 29 तारीख का हमें धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करा था दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम अब तक का जो करना था, जिसमें 20-22 लाख रुपए इकट्ठे करके लगे हुए थे। वो कार्यक्रम हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत शानदार हुआ, और जो हमसे नमन हो सका हमने तो वो नमन कर दिया। हालांकि हमने साहब काशीराम का नाम ले लिया, मगर काम हमने वो कर दिया, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी। आज भी हम काम कर रहे हैं, धम्म का काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, तो इस काम की थोड़ी स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि अभी समय कम है। अगर साहब काशीराम होते तो आपको फटकार के कहते कि भाई ये स्थिति ऐसी खराब हो गई है, अब आपको ज्यादा काम करना है। तो चले गए हैं तो नमन अच्छा करो, तो अच्छा नमन करो, उनकी बढ़ाई और तारीफ में टाइम कम लगाओ, और लोगों को जोड़ने में ज्यादा लगाओ। 107 लोग हैं, एक एक आदमी भी प्रण कर लेगा तो 214 हो जाएंगे कल को। यहाँ एक तो आज कुछ लोगों की शिकायत आई है कि लिंक लगा नहीं है, मगर शिकायत को भी छोड़े, क्योंकि 107 तो यहाँ इकट्ठे हैं, 106 तो इकट्ठे हैं, तो काम नहीं बन रहा है। और पूरे भारत में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो उन जैसा काम करे, तो व्यक्ति को गोली मारो। तो संघ बनाया है तो संघ में काम करो, यहाँ सारे संघ काम करेंगे, वो भी काम बहुत बढ़िया होता है, उसमें व्यक्तिवाद खत्म हो जाता है, व्यक्ति की चिंता ही खत्म हो जाती है। इससे अच्छा कंसेप्ट कहीं लगता हो तो वो बताओ, इससे अच्छा कहीं काम चल रहा हो तो वो बता दो, तो हम तो वहीं चले चलेंगे, क्योंकि हमारा काम हल्का हो जाएगा। मगर भाई समय बड़ा कम है, तो वो जो कहावत है जो बताई है महापुरुषों ने कि खुद को, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगाओ, तो भैया सब आपको जगाने पड़ेंगे, सब हमको जगाने पड़ेंगे, और कोई जगाने वाला आने वाला है नहीं। इसलिए जुड़ना है और जोड़ना है और महापुरुषों को नमन करना है, यही फार्मूला है हमारा, और कोई फार्मूला नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया बताया। जी सर, जय भीम नमोद्धाय। जय भीम नमोद्धाय। जी बताएं। मैं तो काफी दिनों से जुड़ी हुई हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। चलिए पुनः पुनः अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं अनुबोध अनुराधा गौतम, लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और सोशलिस्ट भी हूँ, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और साथ साथ में समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी। ऐसी बेटियों पर, ऐसी बहनों पर हमको गर्व महसूस होता है कि हमारी बहन बेटियां अच्छे मुकाम हासिल करके और समाज को कुछ कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। जी सर।
थैंक यू बेटा जी सर, थैंक यू। हमें रोटियां सेक रहे हैं और साथ में दूरी ज्यादा है वरना खा लेते वहीं पे, अब जैसे व्हाट्सएप पे भी खा लेते हमारे बीच में इन वन से कुछ कोई साथी जुड़े हैं, इन वन आई एन वन से अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपना परिचय दें। इन वन बी अलर्ट रहें, जो भी साथी इस पे जुड़े रहते हैं और जो नए साथी जुड़े हैं तो मेरा निवेदन है कि वो अपना हैंड रेज कर देंगे तो उनका परिचय लेने में आसानी होगी। मनोज कुमार जी हमारे जनपद संभल से जुड़े हैं, मेरा निवेदन है कि आप अपना परिचय दें। मनोज कुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अपना परिचय दीजिए। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मनोज कुमार, लेक्चरर एसएम इंटर कॉलेज चंदौसी में हूँ, जनपद संभल में है, और मैं लगभग पिछले 4 महीने से इससे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी एक ग्रुप है, इसमें देश से ही नहीं विदेश से भी बड़े प्रबुद्ध साथी हमारे जुड़े हैं, जिनके विचारों से हम लोग पूरा देश के जो प्रबुद्ध वर्ग है वो सब आपस में मिल पा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ऐसे ही ये बनता रहे, हम लोग जुड़ते रहे तो इससे हमें और हमारे समाज को काफी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। आप जुड़े रहिएगा और साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करते रहिएगा। बहुत बहुत साधुवाद। जो भी नए साथी जुड़े, जीडी भारती जी हमारे बीच में जुड़े हैं जिनका हैंड रेज है, मैं निवेदन करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। जय भीम सर जी, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। मैं 1 सितंबर से जुड़ रही हूँ। जी जी, मैं पहचान गया, आप काफी पुरानी। और आज मैंने 15 लोगों के लिए लिंक भेजी है। वेरी गुड, 15 साथियों को लिंक भेजी है। तो सर मतलब जैसे अपन को किसी को जोड़ना है तो लिंक ही भेजना है कि उसको अपने ग्रुप में भी ऐड करना है? सर आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज सुन रहे हैं हम। हाँ लिंक भेजिएगा उनको, और जो आपका लोकल जी आपका जो लोकल ग्रुप वहाँ बना है उस ग्रुप में भी जोड़ दीजिएगा, और कोशिश करिएगा उनसे फोन से बात करके उनको थोड़ा इस बारे में बताएं कि हम लोग आपको क्यों जोड़ना चाहते हैं, हमारी इस ग्रुप की, इस संघ की मंशा क्या है, ये संघ क्या तो चाहता है। जी। मैंने मतलब आज भोपाल में है एक मेरी अरुणा मैडम है, उनके मतलब हस्बैंड है, वो डॉक्टर है राजस्थान भोपाल में, तो मैंने उनके लिए भी मैंने बोला है कि आप जुड़िए मैडम, तो उन्होंने 10 तारीख से बोला है 10 तारीख से जुड़ेंगी वो। चलिए, आज कोई जुड़ा है उनमें से जो आपने 15 लोगों को भेजा? अगर हो तो बुलाइएगा उनको। नहीं आज मैंने 15 लोगों के लिए लिंक भेजी थी, तो अभी उसमें से अभी नहीं कोई आया है। कोई बात नहीं, प्रयास जारी रखेंगे हम लोग। आएंगे, हाँ मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, आएंगे, मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आना ही पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा, अगर जिंदा रहना है, जीतना है तो उन्हें आना ही पड़ेगा। आप प्रयास करते रहिएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा है जुड़कर। बहुत बहुत साधुवाद। आप जो है मैम उनसे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट करते रहिए जिसको आप जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप उनसे एक दो बार बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, अपना पंसा लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ ही मिलने वाला है। जी जी जी, थैंक यू, जय भीम सर जी, जय भीम। डॉक्टर अजय जलवान जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप आए और अपना परिचय के साथ अपनी बात रखें। डॉक्टर अजय जलवान जी क्या डॉक्टर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आरी सिंह साहब आ रही है फिर। जी डॉक्टर अजय जलवान जी, जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी डॉक्टर साहब, सर आज जो है सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ये मुहिम जारी रख रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कंटिन्यू रखें। बहुत दिन में जुड़े हो डॉक्टर साहब, अजय जलवान जी बहुत दिन में जुड़े हो अभी।
सर जी माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो है ना बहुत बिजी होके रखा हुआ, मम्मी पापा अमेरिका जो है में सर इतना बिजी कर दिया क्या सर? सर मम्मी पापा जो है वापस इंडिया चले गए तो अच्छा अच्छा इसलिए आपको परेशानी हो रही सर अमेरिका में जो है ना फिर इधर उधर उनके लिए सब अरेंजमेंट करने के चक्कर में और जो है हो गई दिक्कत। तो पर मैं जय भीम बुद्धाय, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसके अंदर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम भी जो है बहुत तहे दिल से यहाँ पे भी लगे हुए थे, अभी मोदी जी आए थे यहाँ पे, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा स्वागत किया सर आपने वहाँ। हाँ सर बिल्कुल, जो है यूएन बिल्डिंग के आगे झंडे लेके सब अम्बेडकर, हाँ जी बिल्कुल सब खड़े हुए थे वहाँ पे, हमने भेजा भी। जय भीम सर, आप जय भीम सर, जय भीम सर, जय अच्छा बहुत बहुत डॉक्टर साहब, डॉक्टर लाल सिंह जी, काफी समय हो गया था जी। पुष्पा जाटव जी है, पुष्पा जाटव जी, हाँ जी सर सुन पा रही है तो सर कंटिन्यू रखिए, मेरा जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसे ही लगातार जुड़ता रहूं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है बहल साहब, इंडिया प्राइवेट हो गया, बिजली प्राइवेट होने जा रही है सर, सुन के बहुत दुख होता है सर जो है जो है। देखिए आपने, मैंने कहा था एक बार आपको इलेक्ट्रिसिटी बार लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, अरे सरकार को प्राइवेट कर दो ना, सरकार को ही प्राइवेट कर दो, मैं तो कह रहा हूँ सरकार नहीं चल रही तो प्राइवेट कर दो, होने वाली है सर, हो जाए ये भी हो जाएगी सर जी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो जाएगी सर, जो जो आप जो यूएसए वाले सर, मैं ठीक कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट होने वाली है सर। तो सर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट नहीं है, हमारे सूरत में वो चला रही है, प्राइवेट ही है यहाँ पे, और बॉम्बे में प्राइवेट है इलेक्ट्रिसिटी सर जी, यहाँ पे जो है ना प्राइवेट। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा था अपने समाज की कोई लड़की इसको विधान तार के चला के दिखाएगी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बिल्कुल सर, हमारे समाज के ही लोग अब जो है जागरूक होके सिर्फ जो है जो भारत का कुछ जो है ठीक कर सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल सर, हमें भगवान बुद्ध से बड़े साइंटिस्ट थे, सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके हम सर जी बिल्कुल बिल्कुल जो है साइंस की जैसे जो भी स्टार्टिंग है सब कुछ हिंदुस्तान से ही हो रखी, मतलब जो है अपना भारत से हो रखी है, और जो है ये भगवान बुद्ध पहले ही साइंटिस्ट हैं, अगर जब उनकी बात समझते हैं सम्यक ज्ञान के बारे में सोचते हैं तो पता लगता है कि हाँ जो है साइंस वहीं से शुरू हुआ, बिल्कुल सर सम्यक ज्ञान से हुआ, बिल्कुल सर सही बात है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद जी। राजा भाऊ इंगोले जी हमारे बीच में जुड़े हैं, राजा भाऊ इंगोले जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? राजा भाऊ इंगोले जी, राजा भाऊ इंगोले जी अपना परिचय दीजिए, राजा भाऊ इंगोले जी। नमो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम नमुद्दा जी, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, हेलो जी जी बोलिए, हेलो जी आवाज आ रहा है आपका? जी आ रहा है, जब वो मैं कट के बोल रहा हूँ, बोलिए अपना परिचय दीजिए। मैं राजा भाऊ इंगोले जी, एट मंगरुड़पीर जिला वाशिम महाराष्ट्र जी, यहाँ से जुड़ा हूँ। आपको लिंक कहाँ से मिला? हमारे आदरणीय सर जी है रमेश जी कटके अमरावती के, अभी आपको पुकार रहे थे, वो याद कर रहे थे आपको अभी। हाँ जी जी, तो वो हमारे आदरणीय पिताजी है जी, उनसे लिंक मिली और उनके वजह से मैं जुड़ा हूँ, बहुत अच्छे से। लेकिन क्या है, बारिश की वजह से जो लिंक का प्रॉब्लम आ रहा है, हर दिन इच्छा होती है आपकी बातें सुनने की सब की, लेकिन रेंज का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं हर दिन जुड़ा नहीं सकता। कोशिश करिए। हाँ मैं हर दिन कोशिश करता हूँ जी, तो मौसम के वजह से हर दिन नहीं जुड़ा सकता हूँ, और आपने जो ये उपक्रम हाथ में लिया है समाज के हित से बहुत ही अच्छा है जी, और ये इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होना चाहिए,
और सबने अच्छी तरह से एक साथ रहकर जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जो विचार है और इनके जो संदेश है और इन्होंने जो अपने को जो कहा है जो विचार आगे चलाने की आज के दिन सख्त जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा था अपने को जी। जो पढ़े लिखे जो लोग है वो भी मुझे धोखा दे रहे तो वो सच्ची बात है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज जो बड़े बड़े लोग है जिसके पास बहुत संपत्ति है, आज समाज में जो बाबा साहब के तथागत बुद्ध के जो विचार आगे चलाने वाले जो कुछ लोग है वो किस वजह से कम रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता, समाज में घूम नहीं सकते, जाकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। जिसके पास संपत्ति है, पैसा है, लेकिन पास उनके पास वक्त नहीं है, ये दो तीन प्रकार के समाज में लोग है। और तुम्हारे जैसे लोग इसमें जुड़े तो यो जो समाज के लिए जो रात दिन कार्य करने वाले जो लोग है वो भी इसमें जुड़ा है, जुड़े तो बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। और तभी हर दिन, एक दिन से नहीं सर, आज मैं देख रहा हूँ ज्यादा लोग अपने लिंक में नहीं रहते, ये 12 ही महीने हर दिन प्रोग्राम चालू रखना चाहिए। हर दिन, दिन कौन सा रहो, समय कौन सा रहो, तभी ये जो अपने अपने को जो संदेश दिए हुए है वो आगे चलेंगे, नहीं तो पीछे की जो दिन है वो आने को कुछ समय नहीं लगेगा। क्योंकि आज अपन देख रहे जिसके हाथ में सत्ता है, अपने समाज में इतने पढ़े लोग है, पढ़े लिखे है, सब अधिकार उनके पास है, लेकिन जुड़े हुए नहीं, एक साथ नहीं है, इस वजह से इतने पढ़े लिखे लोग होकर भी कुछ फायदा हो नहीं रहा है ऐसा मुझे लगता है। मैं ज्यादा आज नहीं बोल सकता हूँ, आगे मैं जरूर इस विषय पर जरूर बोलूंगा। जो तुम्हारे तरीके जो बड़े बड़े विद्वान लोग है इसका मैं पहले सुनूंगा, बाद में मैं आपके जो विचार है आपको भी मैं जरूर बोलूंगा। यहाँ पर मैं सुनता हूँ, जय हिंद, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद, आप जुड़े रहिएगा और लोगों को भी इस विचारधारा से जोड़िएगा। माननीय कांशीराम साहब का आज दिन है, उसी पर आज चर्चा होगी और उन्होंने भी बाबा साहब को पढ़ा और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा और उस पर काम किया। मस्त पाबरिया जी हमारे बीच में जुड़े हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना परिचय दें, मैं आमंत्रित करता हूं आपको। क्या मुझे सुन पा रहे हैं मस्त पाबरिया जी? रामजीलाल पनवार जी बीच में हमारे बीच में जुड़े हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? अपना परिचय दें कृपया। सिंह साहब, मुकुंद बंसोड़ जी का हैंड रेज है। जी जी, आप बुलाएं सर, अब आप आज आ चुके हैं सर। जी जी जी, हाँ आप संभालिए सर, संभालिए। प्रकाश जी आगे क्या सर? जी जी जी, मैं आ गया हूँ जी। बिल्कुल सर, आप 10 मिनट संभालो, बाद में मैं आता हूँ सर, मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं आकर पहुंच रहा हूँ अभी थोड़ी देर। हमारे साथी हैं, काफी पुराने साथी हैं, मुकुंद बंसोड़ जी, आप आए और अपनी बात रखें सीमित समय में। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय सुल्तान, जय धन्यवाद सर। आपने मुझे कुछ आज विशेष दिन रखा गया है काशीराम जी पे चर्चा करने के लिए। हमारे समाज में अगर काशीराम जी नहीं होते तो शायद बाबा साहेब अंबेडकर कब के मर गए होते। मिशन बाबा साहेब अंबेडकर को पूर्ण जन्म देने वाले महान क्रांतिकारी पूजनीय काशीराम जी को याद करना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। काशीराम जी ने जब बाबा भीम पर काम करना चालू किया और 1978 में बाम सेफ की जब रचना की, उसी समय
स्वर्ण राजनीति पर एक बड़ी दखलंदाजी हुई। मैं काशीराम जी सन 1984 में जब वो हमारे भिलाई नगर में आए थे तब उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा था, उनके साथ टेंट लगाने लगा था। उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं राजनीति और भीम मिशन को समझ नहीं पाया था। धीरे धीरे उसी समय से एक मन में जागृति आई और उसी समय में मैं भीम मिशन में जुड़ा और आज तक जुड़ा हुआ हूं। काशीराम जी के द्वारा जो हमको बाम सिर्फ दिया गया है, मेरा मानना है कि हम सभी लोगों को बाम सिर्फ के लिए काम करना चाहिए। बाम सिख का ऐसा संस्थान है जो किसी जाति धर्म को बिल्कुल कतई नहीं मानता और उसमें सिर्फ जोड़ने की बात कही जाती है। तो अगर हमें एक होना है तो और वी द पीपल को अगर आगे बढ़ाना है तो वाम सेफ को भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अभी वामन मेसाम जी उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं उनको सुनते रहता हूँ। सुधीर सर को भी सुनता हूँ, कर्मवीर सर को भी सुनता हूँ, आपको भी, सबसे भी साथियों को सुनता हूँ। अच्छा लगता है वी द पीपल में आकर के, और ये अच्छा लगता है कि हम अपने दिल की बातें रखते हैं, जैसे कि कल मैंने बातें रखी थी। और मेरा एक मानना है कि बाबा भीम का मिशन को हम अगर धर्म से परे होकर सिर्फ संविधान को लेकर आगे जी। थोड़ा सा कुछ लोग नए हैं उनका इंट्रोडक्शन पहले ले लें। बंसोड़ जी थोड़ा सा डिटेल बात करनी है तो बाद में हो जाएगी ना। बंसोड़ जी थोड़ा सा रुक जाएं। मुकुंद बंसोड़ जी। जी 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 देखिए 9 से 10 में हमारी कोशिश रहती है जो नए साथी हैं उनका परिचय हो जाए, उसके बाद में हम बात करेंगे विस्तार से। जी 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 मैं नाम बोलू, एक शिशुपाल है वो नए हैं। जी परियार साहब मैं अभी आमंत्रित करता हूँ शिशुपाल जी। मैं बोल देता हूँ शिशुपाल है, एक तिलेश्वर नागे हैं, शायद लक्ष्मण पठोंडिया है, शंकरलाल बोध है, न्याल सिंह, ये सब मुझे नए लग रहे हैं। संजीव कुमार हाँ, बोला था वो भी नए हैं। नाम मेरे पास नोट है, मैं बुलाता हूँ साथियों को। लक्ष्मण पठोंडिया जी सुन पा रहे हैं, तिलेश्वर नागेशिया जी सुन पा रहे हैं, शिशुपाल जी, शिशुपाल जी एडवोकेट एडवोकेट सारथी जी सुन पा रहे हैं। जी जी सर जी, ये तो कल थे वैसे। हाँ हाँ कल काफी अच्छा संचालन आपने किया है, तो आप हमारे जो नए साथी हैं उनको भी थोड़ा सा परिचय भी दें। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, नाम मेरा रमेश सारथी, एडवोकेट प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ऊना। ऊना एक गुजरात में है और एक ऊना हिमाचल प्रदेश में है, जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का, पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट जो है वो 1972 में टूटकर हिमाचल प्रदेश का एक जिला बना था। तो मैं उसी जिले के जिला हेडक्वार्टर में सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और सोशल व्यू जो है मेरा हर वक्त रहता है। और रिफॉर्म की बात, अफर्मेटिव सोच की बात, तो हमारा धर्म बनता है कि जो बुद्ध का धर्म है, जो डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म है, साहब कांशीराम की बात किसने करी है, उनका जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। कल उनका परिनिर्माण दिवस है, उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने एक राजनीति के रूप में हम लोगों की पहचान जो है वो विश्व स्तर के ऊपर बनाई थी। आगे देखते हैं क्या होता है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, कैरी ऑन। थैंक यू रमेश सारथी जी। प्रकाश सिंह जी, जी जी एक निवेदन है जरा, इसमें 74 लोग जुड़े हैं और मोर पे जाके एक थम्स अप का एक ऑप्शन आता है, इसमें ये देखिए कितने लोग एक्टिव हैं, बिल्कुल अटेंटिव हैं कि वो लोग जुड़े हैं, क्योंकि नाम बोलते हैं वो लोग होते नहीं मोबाइल लगाकर। 76 शो हो रहे हैं इस टाइम।
मेरे को 73 आ रहा मेरे इस पे, तो जरा देखिए कितने लोग हैं जो थम्स अप करें, वो एक आईडी से कई नाम से जुड़े हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। और जो साथी अगर हैंड रेज कर सकते हैं, नए साथी हमारे, तो वो हैंड रेज करते रहें। बाकी जो साथी मुझे लग रहा है नए जुड़े हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ परिचय के लिए। दो चार नाम अभी हम अपने साथियों को ले सकते हैं। शंकर लाल बौद्ध जी अगर सुन पा रहे हैं तो आए। शंकर लाल बौद्ध जी, निहाल सिंह जी सुन पा रहे हैं? निहाल सिंह जी, सुन पा रहे हैं निहाल सिंह जी? निहाल सिंह जी सुन पा रहे हैं? खाना खा रहा हूं मैं इस समय। खाना खाइए आप। ध्यान सिंह जी आए तो ध्यान सिंह जी, युद्धवीर सिंह जी हमारे बीच में जुड़े हैं। युद्धवीर सिंह जी, युद्धवीर सिंह जी आए और अपना परिचय भी दें और एक आध मिनट में अपनी बात रखें। युद्धवीर सिंह जी सभी को जय भीम, नमो बुद्धा। नमो बुद्धा, जय भीम। मेरा नाम युद्धवीर सिंह, मैं गुड़गावा से, और वी मैच का काफी दिनों से मैं ग्रुपों में देख रहा था तो आज मैं जुड़ा हूँ पहली बार ही, बस इतना ही कहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धा। थैंक यू युद्धवीर जी, आप जुड़े रहे निरंतर हमारे बीच में। नंबर चैट बॉक्स में डलवा दो। हाँ, जो साथी हमारे नए हुए हैं और उनका अपना जो नंबर है और नाम है वो चैट बॉक्स में शेयर करते रहे। आगे हमारे बीच में जुड़े सर तेजपाल सिंह जी जुड़े हैं चंदौसी बैजोई से, संभल से। जी जी, बुलाएं आप उनको, परिचय कराएं, बुलाएं, बुलाइए आप। जी सर, मैं पुष्पा बौद्ध, जय भीम। जी जी, जय भीम, पुष्पा जी आप बुलवाइए। जी जी, ठीक। तेजपाल सिंह जी अगर मेरी बात सुन पा रहे हो तो आप अपना परिचय दीजिए। तेजपाल सिंह जी, आवाज जी आवाज नहीं आ रही तेजपाल सिंह। हेलो, आवाज पहुंच रही है तेजपाल सिंह जी? प्रकाश सिंह सर, विनोद गायकवाड़ जी पूना से, उनको आमंत्रित करेंगे। अच्छा, पुष्पा जाटव जी अगर जब आवाज आती है तब लेते हैं तेजपाल जी को, तो गायकवाड़ साहब आए और अपना परिचय दें प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। विनोद गायकवाड़ पूना से। विनोद गायकवाड़ जी सुन पा रहे हैं आप? हमारे जो भी साथियों ने अपने नए साथियों को जोड़ा है और वो जुड़े हुए हैं इस टाइम हमारे बीच में हैं, तो आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं ताकि हमारे नए साथियों का परिचय हो जाए, उसके बाद में हम जो है कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई नए साथी हमारे बीच में अगर जुड़े हैं जिनका परिचय नहीं हो पाया है अभी। राज खड़से जी भी है सर, प्रकाश सिंह सर। राज खड़से जी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर धम्म घोष बौद्ध हमारे बीच में जुड़े हैं। डॉक्टर धम्म घोष बौद्ध सुन पा रहे हैं? कुलदीप सिंह जी हमारे बीच में जुड़े हैं। कुलदीप सिंह जी अगर सुन पा रहे हैं तो आए। अपना है तो सब कुछ। नमो उदय जय भीम सर। जी सर, नमो उदय जय भीम। मैं कैसे बोल अकेले बैठे रहेंगे, जैसे मैं आऊंगी तो बंद कर देते हैं। बाकी साथी अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। तुम हमारी बता दिया करो तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए उस चीज का, जी अब आए अपना माइक जो है म्यूट कीजिए।
एके सिंह साहब कुछ कह रहे थे आप, माइक अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं सर ये कह रहा था, ये जो डिस्टरबेंस होता है तो को होस्ट क्या इनके माइक बंद कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? मैंने पहले भी ये प्रश्न किया था तो अभी मैंने बंद किया तो सभी का बंद हुआ होगा। लगभग ये डिस्टरबेंस का शुरू से ही आ रही है, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो पुराने लोग हैं, ऐसा नहीं है नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, माइक खोल करके परिवार में बात करना शुरू कर देते हैं। भाई कम से कम अनुशासन परिहार साहब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर कोई साथी हमारे इस तरह से डिस्टरबेंस करते हैं तो आप उनको जो है म्यूट करते रहें। हमारे बीच में तेजपाल सिंह जी चंदौसी से अगर सुन पा रहे हैं तो अपना अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। तेजपाल सिंह जी, राज खरसे जी, राज खरसे जी सुन पा रहे हैं? सिंह साहब आवाज नहीं आ पा रही है या नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। ये साथी अवेलेबल नहीं है या क्या क्या कारण लग रहा है? मेरे ख्याल से माइक अनम्यूट करने में दिक्कत हो रही होगी लोगों को। मानसिंह मीना जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर साहब कोई साथी और अगर जुड़े हैं परिचित आप बुलाएं उनको। दिलीप कुमार जी जुड़े हैं हरिद्वार से, दिलीप कुमार जी सुन पा रहे हैं? ये चंद्र भानु प्रकाश जी जुड़े हैं पोखरा से। जी डॉक्टर साहब, चंद्र भानु साहब सुन पा रहे हैं? जय भीम सर, जय भीम सर, मैं पोखरा से नमो बुद्धाय सभी लोगों को। जी पोखरा से सर, बहुत अच्छा लग रहा है विद द पीपल, इसमें अच्छा ज्ञान अर्जन हो जाता है। और माननीय काशीराम जी का के बारे में विषय रखा हुआ है तो मैंने जैसा उनके बारे में सुना है, खैर हमने उनके दर्शन तो नहीं किए भौतिक रूप से, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है शायद, परंतु उनके बारे में जो सुना है। हेलो, हाँ सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आ रही है आवाज? हाँ बीच बीच में ब्रेक हो जाती है, आप कंटिन्यू करें। जी तो जो जैसा माननीय काशीराम जी के बारे में सुना है सर, तो दिल भर के आ जाता है उनके जो उन्होंने उनका संघर्ष जो हमारे लिए उन लोगों उन्होंने किया, तो हमेशा याद रखेंगे, सारा हमारे समाज बहुजन समाज जो है उसको याद रखेगा। साइकिल में सुना है, साइकिल में वो जो है चलते थे, रोटियां सब घर की लाते थे, वही जो हमारा वी द पीपल ग्रुप है, हमारा संघ जो चल रहा है उसी मिशन पे चल रहा है। आशा है कि ये आगे बहुत आगे तक बढ़ेगा, बहुत जल्दी इसमें कम से कम 50 लाख लोग भी हो जाए तो तब जो है आनंद आएगा सर जोड़ने जुड़ने का। पर लोगों पे इतना वो नहीं है, विवेक नहीं है, टाइम नहीं है, हमारे लोग थोड़ा सा जो रोजगार मिल जा रहा है तो भूल जा रहे हैं अपने समाज को, इससे बड़ी पीड़ा होती है, हर एक के मन में पीड़ा है। फिर भी कोशिश करते हैं सब, संघर्षी जीवन है सब लोग, हम लोग कोशिश करते रहते हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे सर। धन्यवाद सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू चंद्रमान जी, आप जो बाकी साथियों को जोड़ने का प्रयास करते रहिए क्योंकि पीड़ा तो सभी को होती है, बट हमें जहां से रास्ता मिला है विदा पीपल का वहां से हमें आगे बढ़ना है। अभी हमारा समय जो है आज विदा पीपल का जो कॉन्सेप्ट है उसको रखने का हुआ है। हमारे बीच में हमारे साथी है सर, हमारे एक मित्र आए हैं सनी रामपुर से, उनको बुलाइए आप। सनी जी आइए,
सनी जी सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं आ पा रही है। परिचय हम बाद में लेते हैं। जी जी बोलिए, अगर आवाज आ रही थी। हाँ जी, हम सनी रामपुर से बात कर रहे हैं, स्वागत अध्यापक जी। विजयकांत जी ने हमें अभी जुड़वाया, तो हम अभी मीटिंग में ऐड हुए हैं सर। अच्छा सनी कुमार जी, आप निरंतर जुड़ते रहिए। विजयकांत जी हमारे पुराने साथी हैं, लगातार जुड़ रहे हैं विदा पीपल से और निरंतर बाकी साथी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर। हाँ, आप भी थोड़ा सा लगातार जुड़ते रहे और जो विदा पीपल का कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करें, उसके साथ में जुड़ने की कोशिश करें, फिर आगे हम लोग बात करते रहेंगे। जी बिल्कुल सर। ठीक है सनी जी, ठीक, थैंक यू। ठीक, वेलकम। हाँ, अभी हमारे बीच में रमेश कटके साहब हैं महाराष्ट्र से, हमारे पुराने साथी हैं और आज जो विदा पीपल का कॉन्सेप्ट है उसको हमारे बीच में रखेंगे ताकि हमारे नए साथियों को कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो और हमें बात करने में सुविधा हो। जय बुद्ध, जय भारत, जय कांशीराम, जय भीम, जय बहुत अच्छे धन्यवाद कटके साहब। आज हमारे बीच में कटके साहब ने जो कॉन्सेप्ट रखा है विद पीपल का, हमारे सभी साथी उसको समझने में सफल रहे होंगे। आज का जो विषय है माननीय कांशीराम साहब का जो मूवमेंट है उसके परिणाम आंदोलन और साहब कांशीराम के जो आज के समय में उसकी दशा और दिशा क्या है, इस पर हम लोग खुली चर्चा करेंगे। साहब कांशीराम ने किस तरह से समाज को जागृत करके जो हमें एक रास्ता दिखाया था और उसके बाद में उसको किस तरह से छिन्न भिन्न किया गया हमारे द्वारा। तो विदा पीपल में हमारे जो भी साथी निरंतर जुड़ रहे हैं वो विदा पीपल बनने की कोशिश कर रहे हैं, आई से वी में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और प्रत्येक साथी के लिए जो प्रीएम्बल में हमारे कुछ शब्द हैं, समानता, भाईचारा, बंधुता, प्रेम, इन शब्दों को अपने अंदर परिपूर्ण करते हुए उनको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में हम निरंतर जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं और हम रोजाना यहाँ पर इस पोर्टल पर मीटिंग में चर्चा परिचर्चा करते हैं कि विदा पीपल को जो अधिकार छिन चुके हैं उनको कैसे बचाया जाए, जो कांशीराम साहब ने अपने अंतिम समय तक हमें अधिकार दिलाने की कोशिश की थी, दिलाए थे, उनको कैसे बचाया जाए। तो अभी उसी विषय को आगे चर्चा परिचर्चा में लाने के लिए हमारे साथी छुट्टलाल जाटव जी और सम्राट ओपी मौर्य जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और आगे 10 बजे तक की चर्चा परिचर्चा में जो मुख्य भूमिका में रहेंगे। छुट्टलाल जाटव जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ सर। सम्राट ओपी मौर्य जी, सम्राट ओपी मौर्य जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं आ गया हूँ घर पे सर, लैपटॉप चालू। सम्राट ओपी मौर्य जी हैं क्या? तो कोई बात नहीं, नहीं है तो शायद। हाँ ठीक है, छुट्टलाल जाटव जी आप जो बिल्कुल, है बिल्कुल सर, तैयार हूँ मैं सर। हम मीटिंग को आगे बढ़ाएं और हमारे जो भी साथी हैं उस चर्चा परिचर्चा में, क्योंकि अभी हमारे एक साथी बीच में बोल रहे थे, किसी संगठन का नाम लेकर के बोल रहे थे, तो विदा पीपल को शायद वो या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। सर हमें संगठनों से तो बहुत परेशानी हो गई है, इसलिए हमें जो भी विदा पीपल का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के आसपास में भी बात रखनी है। अगर कोई प्रश्न किसी का है, किसी साथी का, वो निसंकोच पूछ सकते हैं, हमारे बहुत सारे साथी जवाब देने के तैयार रहते हैं। तो मैं छुट्टलाल जाटव जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू जी। जी प्रकाश जी धन्यवाद सर, जय भीम नमोदा। अभी मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? कोई साथी हमारा जो भी क्वेश्चन रखना चाह रहा था वो जरा, मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? छुट्टलाल जाटव जी आप अपना हेड थोड़ा सा फेस आपका आधा आ रहा है स्क्रीन पर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, अभी आ रहा है ना बराबर? जी जी एंड्रेज है, जो भी आए सर अपना परिचय दें और थोड़ा सा अपने विचार रखें कांशीराम जी के आंदोलन के बारे में। आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं लें कृपया कोई भी, क्योंकि और भी बहुत सारे हमारे एक साथी हैं विजयकांत जी, शिक्षक हैं और वो काफी हाँ, पहले भी इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, इंट्रोडक्शन हो गया है, कुछ बात उनको रखना है तो बाद में आप आमंत्रित कर लीजिएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल, विजयकांत जी आए, विजयकांत जी
विजयकांत सुन रहे हैं सर मेरी आवाज? जी 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 सर, जी सर, सर बोलिए सर, सर आप काशीराम जी से संबंधित जो मूवमेंट है और अभी क्या दशा है मूवमेंट की, क्या हो गया है? उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, बाबा साहब ने भी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अभी इतना तकलीफ हो गया हमको कि बड़ा, आप बोलिए सर 2 मिनट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वो एक दो बार जुड़ते हैं यहाँ और फिर चले जाते हैं, तो यहाँ हो सकता है हमारी कुछ कमी चल रही हो। वो ये कि हमें उनको, जो लोग जुड़ रहे हैं उनके मोबाइल नंबर हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। जी सर। जी, और हम जो है उनको पर्सनली कांटेक्ट कर लें। नहीं सर, हमारा तो कंसेप्ट गुदा पीपल है, वो हमारी कमी कैसे है सर इसमें? हमें तो जी, जोड़ना और जुड़ना है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, लेकिन मैं प्रकाश, लेकिन हमारे पर्सनल ईगो है, आई से बी में कन्वर्ट हुई है हम, हमारे इसमें कोई मतलब हमको तो सबको आमंत्रित करना है, वो राष्ट्रपति भी विदा पीपल है हमारा तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा विचार रखना ये चाहूंगा। जी सर, जो भी हर जिले में और मंडल में जो संघ बन रहा है ये हमारा, यहाँ जो प्रकाश जी हैं हमारे सर सम्मानित गुरु जी हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि सर हो सकता है हम यहाँ पर्सनली कांटेक्ट कर लें लोगों को जो जुड़ रहे हैं। नहीं सर, पर्सनली सभी करने के, पर्सनली जुड़ते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई नहीं आता है बिना जानबूझ के, कोई ना कोई उसको लिंक शेयर करता ही है, कंसेप्ट बताता है, तभी आते हैं सर, ऐसे अनजान तो मैंने देखा नहीं अभी तक कोई आया हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी 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 सर, तो क्या किसी हम है कि जब तक हमें पर्सनल कांटेक्ट नहीं करेंगे हम नहीं जुड़ेंगे, कुछ ऐसी बात है, कुछ फीडबैक दीजिए, आप क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? सर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ लोग आ रहे हैं ठीक है, और आते हैं एक दो दिन जुड़ते हैं और फिर पता नहीं क्यों गायब से हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी हमको मिलते हैं यहाँ, हमारी ये जिम्मेदारी बन रही है कि हमारे विजयकांत जी आप जी थोड़ी सी इसमें मदद करो, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दें, दरअसल हमारे पास मेन पावर की बड़ी दिक्कत है। जी बिल्कुल सर, कॉल किया था लेकिन बात हो नहीं पाई थी, मैं कल इनसे बात करूंगा सर से। जी आप मदद करिए, आज रोज कम से कम 20 लोगों को लगाइए हमारे पास में ना, करीब पिछले दिनों के करीब 2526 नंबर इकट्ठे हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, रोज बात करेंगे तो बात बन जाएगी, तो ये तो अच्छा रहेगा। विजयकांत जी बढ़िया आइडिया दिया आपने आज। जी थैंक यू, बहुत बढ़िया आइडिया दिया है सर, लेकिन विजयकांत जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सामाजिक जो लड़ाई होती है ना सामाजिक, जी सर, जैसे काशीराम जी थे, बाबा साहेब अम्बेडकर थे, ज्योतिबा फूले थे, इनको किसी ने नौता नहीं दिया लड़ने के लिए। ओ बिल्कुल ऐसा है, वो विजयकांत जी ठीक कह रहे हैं, दरअसल जिनके आग ज्यादा लगी होती है, जिनको ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो तो अपने आप आ जाते हैं, मगर ये कम वाला बात है। वही सर मैं कहना चाह रहा हूँ, हम तो विदा पीपल जी हमारे जैसे है ना, वो थोड़े कम है, इसलिए तो विजयकांत जी ने आईडी दिया। हम तो जिस दिन से पहली बार जुड़ा हूं मैं, तो मेरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा। हेलो हां जी बोलिए सर। यहां ऐसा होता है, मैं बताऊं आपको, जो लोग हैं कुछ, मैं किसी की बुराई और अच्छाई नहीं गिना रहा हूं। नहीं बुराई नहीं करनी है, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाल जी वो ठीक कर रहे हैं, वो उनसे बात कर लेंगे, आप बात को खत्म करो। चलो ठीक है सर, आगे आइए सर। विजयकांत जी, विजयकांत जी आप पर्सनल, विजयकांत जी मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ, आप आपसे आप कल बात कर लेंगे, और कल मैं आपको जो है नंबर मैं दे दूंगा आपको, ठीक है? जी जी जी, लोगों से संपर्क करना आप, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं करूंगा अपना कर्तव्य निभाऊंगा मैं। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सर, जय भीम नमो बुद्धाय। विजयकांत जी जय भीम नमो बुद्धाय, आपको जुड़े रहिए, और इसमें आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जी बिल्कुल आएंगे, जाएंगे कहाँ पर, वो उनको आना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, विजयकांत जी उनकी क्या बोलते छोटा लाल जी, उनकी परेशानी जायज है, वो संघ के लिए सर, मैं समझ रहा हूँ। हाँ तो आप उनको अप्रिशिएट करो ना कि उनकी चिंता जायज है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर, चिंता है दूर होगी सर, जब जुड़ेंगे तो लोग चाहिए हमको जो क्या बोलते संघ का काम करें, इसलिए तो हम काम इतना ज्यादा है, लोग कम है, तो कैसे काम बनेगा हमारा, कैसे काम होगा सर? बराबर है जी सर, अभी कोई आइए, हैंड रेज से मुझे दिख नहीं रहा है सर किसी का अभी लैपटॉप में। 3 हैंड रेज है, एक ऋषि जी का है, एक सुगत बोध का है, एक मास्टर निर्देश जी का है। हाँ तो पहले एक मिनट सर, मैं ये लैपटॉप कहाँ से खरीदा है आपने, गुजरात से?
सर गुजरात से नहीं दिख गया हमारे अमृतवादियों की क्या बात है। नहीं नहीं सर, ये गुजरात तो खतरनाक स्टेट है। ऋषि जी आप आइए प्लीज, अपनी बात रखिए। ऋषि जी मेरी बात सुन रहे हैं? ऋषि जी, ऋषि जी अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। आज बहुत अच्छा टॉपिक है, आप आके बताइए। ऋषि जी एंड्रेज किया हुआ आपने, गुजरात नहीं देश करके चले गए लग रहा है सर। आप इस बात को मत बोलिए। आइए ऋषि जी। ये ऋषि अम्बेडकर जी होंगे जो कल बोल रहे थे, शायद गांव में, गांव से हैं ये। अच्छा तो आ जाएंगे बाद में। कौन है सर? आइए सर, आप दूसरे लो, सुगत बोध को ले लो। सुगत बोध जी आइए, सुगत बोध जी अपना माइक अनम्यूट करके जरा आइए सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और थोड़ा जो आज का टॉपिक है इस पर दो शब्द रखिए, आप 2 मिनट का टाइम दिया जाता। आप सुगत बोध जी सुन रहे हैं क्या आप मेरी आवाज? जी सर, अपना वीडियो ऑन कीजिए सर, हमको थोड़ा पता भी चलना चाहिए। वो सर क्या है कि मैंने शर्ट उतार दिया है तो इसलिए वीडियो ठीक है, पर आप वीडियो बंद कर लीजिए सर। शर्ट उतार दिया तो इसलिए मैंने वीडियो बंद कर रखा था। हाँ वीडियो बंद कर लीजिए सर, देखो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता सर। बराबर आप बोलिए सर, बोलिए सर। जयपुर से हूँ सर और LIC में सर्विस करता हूँ जी। और सर पहले तो एक बात पूछनी थी कि रोज मेरे पास में वी द पीपल का लिंक आता है और मैं रोज जुड़ता हूँ। हाँ जी, लेकिन 2-3 दिन से जो लिंक आ रहा था उसमें मैक्सिमम 15-20 सदस्य होते थे, क्या वो लिंक आप वाला है या कोई दूसरा लिंक? नहीं सर वो तो दूसरा है सर। और आप राजस्थान की मीटिंग में जुड़ जाते हो, राजस्थान में जा रहे हो, देश की मीटिंग में जुड़ो और राजस्थान की मीटिंग इधर। सुगत जी जो 15-20 लोग जुड़ रहे हैं, मैं भी राजस्थान से हूँ, इंडोन सिटी से, वो सर हमारे ही लोग थे, लेकिन अब थोड़ा विचारधारा उनकी, लेकिन वो भी आएंगे तो वो लिंक आप मत। छोटे लाल जी वो सुबह को अपना टाइम चेंज कर रहे हैं, कल से टाइम चेंज कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो आएंगे सर, उनको आना पड़ेगा, वो जाएंगे कहाँ पे सर? जी मैं इसीलिए आज आना था उनको, इसीलिए मुझे लगा कि आज शायद मैं सही लिंक से जुड़ा हूँ। देखो जिसके अंदर अगर क्रांतिकारी ज्वाला है सामाजिक परिवर्तन की, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको नींद भी नहीं आएगी, रोटी भी नहीं खाएगा सर। और सर माननीय साहब काशीराम जी थे तो आज बोलिए सर, बोलिए आप क्या करते हैं सर? मैं सर LIC में सर्विस करता हूँ जी सर। भरत जी को जानते हो क्या? भरत जी जो LIC में भरत बैरवा है जयपुर में, शायद मिले होंगे सर कभी, क्योंकि पहले मैं नहीं, मेरा दोस्त था इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है चल बोलिए सर, बोलिए। वो काशीराम जी जो कहते थे, मैं तो उन्हीं को एक तरह से समझ के और पढ़ के प्रेरित हुआ। काशीराम जी ने एक बात कही थी कि मैं बाबा साहब की केवल एक किताब और एक बार पढ़ के बदल गया, तो ये समाज पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, इसको मतलब 10 बार समझाओ, 10 किताबें पढ़ा दो तो भी ये मतलब परिवर्तित होने की नहीं सोचता है सर। हमने तो आज तक सुगत जी मैंने तो पूरी किताब भी नहीं पढ़ी है, तब भी मैं पागल हो गया हूं। तो हमने भी बस वो काशीराम जी की एक ये स्लोगन सुना और हमने सोचा कि वास्तव में क्या बाबा साहब की इतनी किताबें थी, उनमें से एक किताब को उनके भी अगर कोई व्यक्ति पूरा परिवर्तित हो सकता है तो हमने भी सिर्फ बाबा साहब की एक ही किताब पढ़ी। सुगत बहुत जी जरूरी नहीं है किताब पढ़ना, आप समस्या देख रहे हो ना सामने क्या हो रहा है, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ है, तो ये देख लो आप खुद देख लो, बाद में पढ़ना, पहले समस्या देख लो क्या होने वाला है हमारे साथ में। प्रयास बहुत अच्छा है, हम भी लोगों से रोज ऐसी मीटिंग करते हैं वी द पीपल के बारे में लोगों को बताते हैं। सर जोड़िए सर, राजस्थान हमारा पीछे है बहुत सर, मैं आपसे माफी चाहूंगा और इसलिए राजस्थान को जोड़िए ज्यादा से ज्यादा, जो भी हमारे साथी है वो कल से आ जाएंगे, वो हमसे दूर नहीं गए, और आप भी जोड़िए सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको लिंक गड़बड़ आ जाता था रोजाना, नहीं वो कोई बात नहीं, अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं अजय जलवान जी का हैंडरेज है अमेरिका, यही सुगत बहुत जी 11 नवंबर तक यही लिंक रहेगा जी, बिल्कुल बदलेगा नहीं। उनसे पहले एडवोकेट सारथी जी गुजरात से, एडवोकेट सारथी नहीं नहीं सबसे पहले मास्टर निर्देश जी हैं, आप नंबर से लो ना। नहीं उनका तो सर अच्छा, मास्टर निर्देश जी आइए सर, अपनी बात रखिए। मास्टर निर्देश कुमार जी आवाज आ रही है सर आप? जी सर, जी सर बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जय भीम नमोद्धाय सर, बोलिए। जय भीम नमोद्धाय सर सभी को।
और सर हाँ हैंड रेज मैंने किया था सर, आपने देखा नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, सॉरी सर, नहीं सॉरी नहीं सर, एक्चुअली इसमें सॉरी का तो कोई बिस्की नहीं है, जब ऐसा होता है ना, जब अपने लोग होते हैं ना, तो वही बात है ना, सॉरी और थैंक यू ये सब तो फॉर्मेलिटी होती नहीं, है कोई नहीं, बात नहीं। जी जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर बात आती है कि नए साथी और पुराने साथी, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो लोग हमारे नए जुड़ते हैं, तो हम जैसे हम अपने आप को कहने लगे कि हम पुराने साथी हैं, हम पुराने हो गए, लेकिन जो नए साथी जुड़ते हैं तो उनके लिए भी हम नए होते हैं, तो बेहतर रहे जैसे कोई पुराना साथी भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है अपने नए साथियों को तो दे सकता है, तो उसी क्रम में मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाह रहा था कि हमारे जो नए साथी जुड़ते हैं, तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूं कि मैं जनपद अमरोहा से हूं उत्तर प्रदेश के, और मैं बेसिक शिक्षा विभाग में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं, और जो विदा पीपल से मैं जुड़ा हुआ हूं तो लगभग मुझे 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीने से मैं लगातार जुड़ता भी हूं, कभी बीच में समय नहीं मिलता है वो बात अलग रह गई, और मैं कंसेप्ट समझने की मैंने कोशिश की, लोगों को जानने की कोशिश की, तो मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि जो हमारे इसमें जो लोग जुड़ते हैं तो सब एक ही, जो सबका एक ही दर्द है, सबकी एक ही विचारधारा है, कहीं ना कहीं एक दर्द छिपा है जिसकी एक दवाई हम तलाश कर रहे हैं, तो दवाई हमें जो वास्तव में जो विदा पीपल का एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं अपने नए साथियों से भी जो आज जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, और जो पुराने साथी हैं वो तो बेहतर रूप से समझ ही चुके हैं, तो विदा पीपल में जुड़ते जाओ, जोड़ते रहो, और इसका जो कंसेप्ट है कि जुड़ो और जोड़ो, तो अगर आप जुड़ेंगे या जोड़ेंगे तो सारे दर्द, हर हर दर्द की दवा मिलेगी, गाना है कि हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, तो विदा पीपल में ही हर दर्द की दवा आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन थोड़ा सा आप कांचीराम जी के बारे में बोलिए ना, दोस्तों आपकी तो मैं आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बोलिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे विजय कांत जी की एक जिज्ञासा थी कि पर्सनल कांटेक्ट करने की, हालांकि सुधीर राजी ने उनको सपोर्ट किया, आपने भी सपोर्ट किया, तो उनकी जिज्ञासा थी, तो वास्तव में मैं महसूस भी करता हूँ, मैं भी ब्रॉडकास्ट के जरिए 256 से एक ब्रॉडकास्ट में है, दूसरी भी लिस्ट है, मैं लगभग 300-400 लोगों को लिंक शेयर करता हूँ, अब मैं उनसे पर्सनली भी बात करने की कोशिश करता हूँ, और जितने लोग जुड़े हैं तो पर्सनली बात करने का ही परिणाम है कि वो जुड़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है बात विजय कांत जी की, पर्सनली हमें बात करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर, और दूसरा मैं कांशीराम जी की तरफ आ रहा हूँ सर, कांशीराम जी की तरफ आ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल सर, 5 मिनट देते हैं आप। बिल्कुल सर, क्योंकि होता ये है ना कि आपकी कट रही है बात, मुझे बिल्कुल बिल्कुल समय मिल पा रहा था, मैं कई दिन तो जुड़ा भी नहीं था बीच में, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, मुझे समय दीजिए। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज, बिल्कुल धन्यवाद सर, बिल्कुल धन्यवाद। हाँ रखिए सर, रखिए आप। मैं ये कहना, क्या सर मेरी आवाज आ पा रही है आपको? सर आप रखिए अपनी बात, बिल्कुल कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में, हमारे समाज का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, उसमें सर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, निर्देश कुमार जी आवाज नहीं आ रही है सर, आप निर्देश कुमार जी आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? जिस जब घटना होते हैं कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ रहेगा तो उसके जीवन का चक्र जरूर बदलेगा, तो इसी जब हम बात कांशीराम जी की करते हैं, मान्यवर कांशीराम जी की बात करते हैं, तो जैसा भी कटके सर ने भी बताया और हमने भी किताबों में पढ़ा कि असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर थे वो, लेकिन एक घटनाक्रम रहा, भाई जो थे क्या ना क्या दीनवाना जी, दीनावाना जी घटनाक्रम रहा, और भी दीनावाना जी, तो वह सारे घटनाक्रम से जो उन्होंने सब देखा और उनका जीवन चक्र बदला, और वो घटनाएं ऐसी हुई, तो ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में भी मान्यवर कांशीराम जी की घटनाएं घटित हुई, उनके जीवन में ज्योतिबा फूले
भी घटनाएं घटित हुई इस प्रकार से हमारे तो कोई ना कोई घटना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक आदमी है अपने समाज के और सोचे अगर बहुत अच्छा तो आम भी नहीं है, महत्वपूर्ण है बंदा। कहानी हर इंसान की महत्व कमी है जानने वालों की और सुनने वालों की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी द पीपल के मंच पर जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं और वास्तव में सबकी कहानी महत्वपूर्ण है और यहाँ सुनने वालों की भी कमी नहीं है, तो अपनी बात रखनी भी चाहिए जैसे मौका है। तो हमारे जीवन में घटनाक्रम कोई ना कोई जरूर आता है, तो हमें वहां से हमें डिसाइड ये करना है, हमें तय करना है कि जब घटनाक्रम आया तो हमें शिक्षा। सर आपकी आवाज कट रही है निर्देश, थोड़ा सा ब्रीफ करें सर, सर अपना कंक्लूजन करें निर्देश। व्यवस्था की बात हम कहते हैं जिसके हम कई हजार वर्षों से शिकार रहे ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यवस्था बनी हुई है, जिस व्यवस्था के हम कई हजार वर्षों से शिकार रहे हैं, हमारे महापुरुष भी शिकार रहे हैं और हम भी शिकार हैं आज की डेट में, तो वो जो व्यवस्था है उस सर ब्रेक हो रही है कई बार सर निर्देश जी। क्या निर्देश जी को शायद आवाज नहीं आ रही किसी की? निर्देश जी अपनी हो सकता है, नहीं मैं आप एक ही सिंह जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल सही आ रही, बहुत अच्छे से आ रही है। तो फिर निर्देश जी की प्रॉब्लम है फिर। सर सर हमारे एक साथी आए हैं सोनी राम जी, आप उनको इनवाइट कर लीजिए। बिल्कुल सर आइए अश्वनी राम जी, सोनी राम जी, सोनी राम जी 2 मिनट में। सोनी राम जी, सोनी राम जी, सोनी राम जी रखिए, वैसे हैंडरेज हैं और एडवोकेट सारथी जी का है अपना। निर्देश कुमार जी आप थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में, आपको लेते हैं बाद में। सर छोटेलाल सर इसके क्षमा करें सर। सर बोलिए सर। ये लखनऊ से सर हमारे रेलवे के बड़े अधिकारी से रिटायर हुए हैं रामलोक जी, हमने आमंत्रित किया है, हमारे स्पोक्स भी है। तो रामलोक बौद्ध जी को सीनियर साथी है, मानवन के साथ उन्होंने रहा है बड़ा। बिल्कुल सर क्या नाम बताया निरंकारी? राम लोड बौद्ध। ठीक है ठीक है सर, मैं अभी लेता हूँ सर, एक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 2 मिनट। ये एडवोकेट सारथी जी गुजरात से हैं। एडवोकेट सारथी सर। जी सर वॉइस आ रही है सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें सर। हाँ बिल्कुल 2 मिनट में रखेंगे सर। काशीराम जी को नमन, सभी प्रबुद्ध साथियों को भी प्रणाम। सर काशीराम जी की बात चल रही है और कल उनका परिनिर्माण दिवस है। दुख की बात है कि अगर वो कुछ समय हमारे बीच और रहते, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि हर किसी को जाना है, मगर वो कुछ समय और रहते तो शायद हमारी दिशा और दशा और बेहतर हो जाती। राजनीति के संदर्भ के बीच जिस तरह से साहब कांशीराम ने भारत की व्यवस्था को बदलने का कार्य करा, वो शायद ही किसी और कोई कर पाए। अभी कुछ नजर नहीं आ पा रहा है और कोई कर पाए, मैं इसी होप के साथ आगे जीता हूँ कि शायद कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए कि जिससे हम जो अब स्ट्रांग हो पाए। साहब कांशीराम ने जिस तरह से पूरे देश में जो हमारी जिनको डाउन ट्रोडन दलित शूद्र कौन कौन से वर्णों से पुकारा जाता है, उनका एक बहुत बड़ी राजनीति के तौर के ऊपर पकड़ जो है वो बनाने की कोशिश करी। उसी पकड़ में मंडल कमंडल की राजनीति भी उन्होंने मंडल कमंडल की राजनीति को भी ग्रहण लगा दिया था। और उसके साथ साथ ही उन्होंने जिस तरह से नारा जो देते थे वो एक नारे बड़े चिर प्रचलित होते हैं, आज भी हम सुनते हैं उन नारों में, तिलक तराजू जा तलवार जूते मारो उनको चार। मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा कि कौन है कि किनको जूते मारने हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था के साथ लोगों को जोड़ने का उन्होंने बहुत बड़ा काम जो था करा, क्यों लोग बहुत दुखी थे। लोगों में एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट गेन कर पाए थे वो बामसेब के थ्रू वो साहब कांशीराम के साथ जुड़े थे, उनकी बदौलत जो था वो आगे बढ़ने का कार्य हुआ। लेकिन आज बामसेब जो साहब कांशीराम ने बामसेब बनाई थी वो तो बामसेब नजर नहीं आती, लेकिन बामसेब के 28 पार्ट जो हैं वो पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। हर व्यक्ति जो है वो कहता कि मैं बामसेब का अध्यक्ष हूँ, कोई स्टेट वाइज से कर, कोई जिला वाइज बामसेब का अध्यक्ष है, लेकिन जो साहब कांशीराम का जो मोटिव था
भारत की राजनीति को कैप्चर करना वही मोटिव जो था वो डॉक्टर अम्बेडकर का था कि उनकी भी यही सोच थी कि हम जो है वो सत्ता के बीच बैठे और सत्ता जो है उसको हम चलाने का कार्य कर सके। लेकिन पार्टीबाजी के बीच साहब कांशीराम ने जिस तरह से मंडल कमीशन को लागू करवाने का कार्य 1990 में बीपी सिंह के द्वारा भी करवाया था वो प्रेशर था साहब कांशीराम का। वो तभी जो मंडल कमीशन के अंदर ओबीसी को जो 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 52% की बात की जाती है उस 52% में 27% की बात जो है वो आगे बढ़ी थी। बेशक इंदिरा सानी बस्ती यूनियन ऑफ इंडिया के बीच हमें जो है वर्डिक्ट मिलते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक सीलिंग पॉइंट लगा दिया कि 49.5% से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से आगे साहब कांशीराम की मूवमेंट चलती रही और सोशल रिफॉर्म के ऊपर वो कार्य करते रहे ये चिरस्थाई रहेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे 2 मिनट का समय दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये 49% की जो सीमा है तो ईडब्ल्यूएस में 10% सुप्रीम कहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट, मतलब कहने का मतलब है कि उनके फेवर के लिए बात आएगी तो 50% को लांग जाएंगे। ये ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण किया है तो किससे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल मतलब 50% की सीमा कैसे चली गई, मंडल कमीशन में क्यों नहीं गई वो सीमा? सर मैं इस बात से सहमत हूँ लेकिन जो जो 10% की रिजर्वेशन जो है उनको एकदम जो है तो बिना किसी एजिटेशन के बिना किसी किसी भी ग्रुप जी। वो सर वो है ना वो जुड़े हुए हैं संगठित है, हम नहीं है इसलिए वो बात हो रही है। यस राइट बिल्कुल। थैंक यू सर। और अभी मैं लेना चाहूंगा, निरंकारी जी बोल रहे थे, रामलाल बोर्ड जी आए अपनी बात रखें। सर मेरी बात सुन रहे हो तो आए सर। जी आवाज मिल रही है सभी को? बिल्कुल। जेमी नंबर बताए सर। सर मैं लखनऊ में रहता हूँ, रेलवे से रिटायर्ड हूँ चीफ कंट्रोलर से, और आपके इस मुहिम से तो मैं करीब 2 महीना पहले से जुड़ा हूँ, सुनता हूँ लेकिन बोलता कम हूँ। सर जहाँ तक माननीय कांशीराम जी के बारे में आज कहने के लिए कुछ कहा गया है सर, तो मेरा ये कहना था माननीय कांशीराम जी जमीन से जुड़े हुए आदमी, 1982 से उनका साथ में हमको रहने का मौका मिला था करीब 4-5 साल के लिए, इधर जो इधर बस्ती गोरखपुर देवरिया लखनऊ इधर आते जाते रहते थे, मुलाकात होती रहती थी। तो मानवल कांशीराम साहब के बारे में यही कहना था कि वो एक तो जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, उनको उनके अंदर ईगो नाम की कोई चीज नहीं, वो सबका सम्मान करते थे और राजनीतिक सूझबूझ उनके पास जो थी वो आजकल के जो जिनको आप कह रहे हैं जो शासन सत्ता में उनसे भी अच्छी सूझबूझ मानवर कांशीराम की थी राजनीति के बारे में। तो उसी का परिणाम रहा यहाँ उत्तर प्रदेश में उनका जो ये कारवां आगे बढ़ा था और अच्छा रहा, रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन बीच में जो तोड़कर चले गए हमको जल्दी ही उससे बड़ा नुकसान हुआ। अब धीरे धीरे उनके जो विचारधारा थी उससे विपरीत लोग काम करना शुरू कर दिए हैं, ये चीज अच्छा नहीं लगता है। इस नाते जो है मेरा ये कहना कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके विचारों को हम लोग अमल करें, उसको आत्मसात करें, उसके विचारों उन्हीं विचारों पर चलें, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी बिल्कुल वरना जी मेरा जी सर ऐसा है, महापुरुष जिंदा रहते हैं विचारों से, जी तो अपने विचार दे के चले जाते हैं, वो उसको फॉलो करना होता है। और ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है कि कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा, उसको जाना ही होगा, लेकिन उनके विचार जिंदा रहते हैं सर। नहीं तो उनके विचार जिंदा है और जी तो उनके राजनीतिक सूझबूझ और विचारधारा को देखते हुए हम लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय कांशीराम सर। जय भीम नमोदा, जय कांशीराम सर। आप जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़िए सर। चीफ कंट्रोल रहे सर आप, और मैं इसी कड़ी में गुलाब सिंह जी, गुलाब सिंह सर। हाँ सर बिल्कुल सर बोलिए सर। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमोदा सर। हाँ तो आज जो है हमारे बीच में जो है कांशीराम साहब चले गए थे, तो
हमें दुख होता है। पुरुषों ने हमारे लिए जो काम किया वो कहीं अधूरा रह गया, और मैं बड़ी छोटी उम्र में जो है काशीराम साहब के मंडल कमीशन से जुड़ा था और मिशन से जुड़ा था। तो और जब हम पहुंचे वहां पर निगम बोध घाट, तो हम लेट हो चुके थे क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी बाजी में जो है वो अंतिम संस्कार किया गया था, सब लोगों की शिकायत थी। तो मैं समाज से ये कहना चाहता हूं, लोगों से कहना चाहते हैं हम, कि हमारे जो महापुरुषों ने जो आंदोलन लड़ा, आंदोलन किया, और काशीराम साहब ने जो है 13 जातियों को वो जोड़कर जो है आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन बनाया था, और उन्होंने सिर्फ बाबा साहब की एक किताब को पढ़ा, और वो एक बार नहीं कई बार पढ़ा, और उन्होंने उनका एक टर्निंग पॉइंट था वो। जैसे अभी हमने एक संकल्प दिवस मनाया था बाबा साहब का, तो उसी तरह से उनका भी एक टर्निंग पॉइंट था, और उन्होंने एक किताब को पढ़कर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ के, और डिसाइड कर लिया, और उन्होंने प्रतिज्ञाएं की कि अपने परिवार को, समाज को ही परिवार मानूंगा, समाज में नहीं जाऊंगा, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, मेरा परिवार नहीं होगा। इस तरह से उन्होंने जो है अपने आंदोलन को आंदोलन बना लिया और समाज में काम किया। लेकिन हमारे लोग जो है बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, और फील्ड में हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने बाबा साहब के वॉल्यूम पढ़े हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं वो उस तरह की बात नहीं आती, यानी कि हमारी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, इसलिए हमारे जो है आंदोलन सफल नहीं हो पाते। और हमें, मैं यही कहना चाहूंगा कि समय का अभाव है, कि हमें अपने महापुरुषों के जीवन से, आंदोलन से जो सीखा है उसको थोड़ा सा अपने जीवन में इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए। उनके, बाबा साहब के जीवन में लास्ट में देखें, जब वो दुनिया से चले गए, हमारे बीच में से चले गए, तो उनके कोई अकाउंट में पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे। ऐसी काशीराम साहब के नाम पे ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना कोई घर था। तो आज हम ये देखते हैं कि हमारे जो भी नेता है, यदि छोटा सा भी नेता है तो उस पे करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है। तो हमारा जो है कैसा, हम महापुरुषों को उनको मानते हैं, ये हमें सोचना है, आज विचार करना है कि हमारे महापुरुषों ने कैसा जीवन जिया, और हमने अच्छा जीवन जीने के बावजूद भी हम जो है कहीं समाज में काम करते नजर नहीं आते, ये हमको आज सोचना पड़ेगा समाज को। और इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। बिल्कुल सही कहा सर, आपको त्याग और समर्पण की भावना सीखनी चाहिए हमारे महापुरुषों से, कि वो चाहते, काशीराम जी तो वो भी क्लास वन ऑफिसर से ही जुड़े थे, लेकिन वो एक किताब को पढ़ के पागल हो गए, और वो उसके ऑफिसर की पिटाई कर दी उन्होंने जहाँ पर नौकरी करते थे। ठीक बात सर। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और इसका जवाब मैं भी चाहूंगा, मैं हालांकि एंकरिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पूछना चाहिए, कि मैंने एक वाक्य सुना है कि काशीराम जी जब महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे थे, जब वो नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, तो जब एक वो एक दुकान पे बैठे थे, और नींबू का पानी का उन्होंने ऑर्डर दिया था, नींबू पानी पीने के लिए, कि यार नींबू पानी पी लेते हैं, उनके साथी थे, तो वहां उन्होंने नींबू पानी पिया, तो जो नींबू पानी बेच रहा था उसने उसको मशीन से नींबू को ऐसे निचोड़ा, और निचोड़ के फेंक दिया उसने, क्योंकि उसको तो रस निकालना था। तो साहब उठे और वो नींबू को जो फेंका था निचोड़ के, उसको उठाया और उसके अंदर अंगुली घुमाई, तो देखा इसको निचोड़ के फेंक दिया, फिर भी इसमें कुछ है, मतलब नींबू के अंदर फिर भी रस है। तो उसी कंसेप्ट शायद वामसेव की स्थापना हुई है सर, मैंने सुना है कहीं, मैं इसके ऊपर कह नहीं सकता है सही है कि नहीं किसी ने, लेकिन मैंने ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं से सुना है, और मैं कहना नहीं चाहूंगा। सर सुधीर राज जी, सर आपका हैंड रेज़ है, सर आए सुधीर राज जी। सर दो लोग और भी थे, पहले उनका नंबर ले लेते। कौन है सर? अपने गुलाब सिंह जी का, अभिनव राज जी है, और अभिनव राज जी आए सर, कृपा। अभिनव राज जी मेरी बात सुन रहे हैं क्या सर? अभिनव राज जी, हेलो। हाँ बिल्कुल सर, अपना वीडियो निकल लें सर, प्लीज बोलिए सर। हाँ सर, सभी आवाज आ रही है आप सभी तक? हाँ आ रही है सर। सर बोलिए सर, अभिनव राज जी बोलिए सर।
सर हमारे छत्तीसगढ़ से डॉक्टर कमल किशोर जी है, कुछ बता नहीं रहे अभी तक, उनकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं लेता हूँ सर, हेंडरेज है सर बिल्कुल, आप मुकंद बंसुड़ी जी मैं लेता हूँ सर उनको, थोड़ा हेंडरेज है हमारे साथियों की, अमरराज जी जैसे आवाज नहीं आ रही है, अभी क्या करेंगे। रमेश कुमार जी गाजियाबाद, माइक अनम्यूट नहीं है उनका, माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है शायद, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद रमेश कुमार जी गाजियाबाद से, हेलो जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि आज साहब कांशीराम जी के संदर्भ में, सर आप मैं आपसे माफी चाहूंगा, वीडियो हो सकता है तो आप चालू करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, माफी चाहूंगा मैं इसके लिए जो है आप सभी लोगों से। क्या कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। देखिए बाबा साहब ने कहा था एक जगह जो है कि महापुरुष, किसी कोई एक बहुत पुराना कोटेशन था कि महापुरुष पैदा नहीं होते हैं, बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं जो है, तो और मरते नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि देखिए महापुरुष मर जाते हैं यदि उनके विचारधारा में मर जाए तो। नहीं ये तो आप सर कोलंबे यूनिवर्सिटी में द्वार पे लिखा था उसकी बात कर रहे हैं, कोलंबिया में वहां पे उन्होंने वो उसको मिटा दिया था फिर उनसे। श्रीमान मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आप बाद में प्रतिक्रिया दीजिएगा जो भी होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था, बाबा साहब भी जो है इस दुनिया से जाने के बाद उनकी विचारधाराएं लगभग खत्म सी हो गई थी, और कांशीराम साहब भी ऐसा शख्स थे या है जो उन्होंने जो है बाबा साहब को पुनर्जीवित किया जो है अपने देश में, पूरी दुनिया में जो है पुनर्जीवित उनके विचारों को जो है पुनर्जीर्णोद्धार किया जो है, और बाबा साहब को आज हम लोग पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं तो कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब के बारे में जानने के लिए, और समाज को बहुत ही बुद्ध धर्म या फिर जो भी है सब आगे बढ़ाने के लिए कांशीराम साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं नमन करता हूँ ऐसे शख्स को जो समय समय पे हमारे समाज के बीच पैदा होते रहते हैं। जी बिल्कुल साहब, बढ़िया बात कही आपने सर, इसी सर मैं अभी जी धन्यवाद सर, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। रमेश कुमार जी गाजियाबाद से सर अपनी बात रखें सर, रमेश कुमार जी हेलो जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय सर, बोलिए, नमो बुद्धाय, जय भीम, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, क्लियर आ रही है, वीडियो नहीं है सर, आप वीडियो खोल देता हूँ, खोल दीजिए सर थोड़ा। हेलो, हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आवाज बोलिए। हाँ आज का जो विषय रखा हुआ है मान्यवर कांशीराम साहब जो हमारे बीच में नहीं है, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैंने 1989 में जब उन्होंने पहली दफा मतलब चुनाव लड़ा यहाँ से पूर्वी दिल्ली विधानसभा से, इससे लोकसभा से, तो ऊंट के निशान से चुनाव लड़ा था और बड़ी एक लहर थी, एचकेएल भगत के खिलाफ लड़ा था और मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में रहता था उस टाइम, तो उससे पहले मैं कहीं आरएसएस में 2 साल रहा, तो आरएसएस से निकल के फिर कुछ साथी थे और समझदार थे, उन्होंने कहा भी आप तो अपने समाज के आदमी हो वहां पे क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कुछ मुझे पढ़ने के लिए लिटरेचर दिया, मुझे धीरे धीरे समझ में आया, फिर मैंने मूवमेंट ज्वाइन किया, तो अपना पूरे जोश के साथ हमने उससे आवाज कम आ रही है, आवाज कम, हेलो आ रही है, माइक पास में रखो, आ रही है आवाज तो ठीक है जी, बोलिए सर, 2 मिनट में बात रखिए सर प्लीज। और उसके बाद मतलब एक दो जो एक्सपीरियंस हैं मतलब उन्होंने शेयर किए कि जब 2000 उसके बाद 91 का उन्होंने चुनाव लड़ा दोबारा से, तो 91 के चुनाव में उनका से लड़ा था 91 का, वो भी यहीं से लड़ा था, जमुना पार से ही लड़ा था दोबारा से, तो उसमें उन्हें काफी कम वोट मिले थे, और मैं जहाँ काउंटिंग हो रही थी ना काउंटिंग सेंटर पे था, अच्छा। तो काउंटिंग सेंटर पे उन्होंने जब आके देखा कि भाई यहाँ पे काउंटिंग हो रही है और वोट, तो उन्हें मालूम हो गया था कि मुझे बहुत कम वोट मिल रही है, तो कह रहे भी मेरे कार्यकर्ता सुबह से शाम तक यहाँ वोटिंग उसमें काउंटिंग में जुड़े हुए हैं और भूखे प्यासे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भी ब्रेड एक सूखी ब्रेड थी, कह रहे भी वो ब्रेड लोगों को दी के भी आप ये खा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि भी बहुत सारे लोगों को दिए सूखी ब्रेड भी नहीं मिलती, क्या आप कम से कम धन्य है कि आपको सूखी ब्रेड को खाने को मिल रही है, कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही दिखाई देंगे जिन्हें ये भी नसीब नहीं होती,
बिल्कुल एक वाक्य उनका जो साउथ एवेन्यू है जहाँ पे हरभजन सिंह लाखा एक एमपी रहे पंजाब से, बिल्कुल, बिल्कुल, थे एक बार अम्बाला से रहे। हाँ ऐसा उन्होंने खाना मतलब बनवाया था, वो खाना कुछ अजीब किस्म का था, तो उन्होंने वहां भी उस बात को कहा लोगों से कि भाई जिस खाने को आप खा रहे हो ना ये खा लो, कि ये बहुत सारे लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है। तो उनके साथ उनके सानिध्य में रहा, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ एक बार, तो मेरे को देखने आना था लेकिन बाय द वे नहीं आ पाए थे। तो कहते हैं कि भाई अब कहते हैं लोग के भी नेता पैदा नहीं होते। रमेश जी थोड़ा सा बहुत हैंड्रेज है, आप प्लीज अपना कंक्लूड करें बात। मैं मतलब ये मैं माफी चाहूंगा ऐसा हमारे, नहीं हमारे बीच में बुद्ध के टाइम से, क्योंकि हमें जो इतिहास मिल रहा है बुद्ध के शासन से मिल रहा है, और आधुनिक भारत में जो हमारे बीच में अंतिम महापुरुष जिसे गए हम अंतिम ही कह सकते हैं कि माननीय कांशीराम जी थे, तो जितने भी लोग हमारे बीच में ऐसे आए हैं समाज सुधारक के रूप में, तो उन्होंने अपने अपनी क्षमता के हिसाब से, और उन्होंने एक अपना ट्रांसपेरेंसी रखी, एक नियत साफ रखी कि मैंने प्योर शुद्ध मन से समाज की भलाई का काम करना है। और अगर हमारे बीच में भी ऐसे लोग आएंगे कि वो अपना सब कुछ त्याग के हुए, कि हमें स्वार्थ नहीं देखना है, हमें अपनी नीयत साफ रखनी है और हमें केवल और केवल समाज की भलाई में अपना समय लगाना है, तो हमारा मूवमेंट कामयाब हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, बिल्कुल जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत अच्छी बात कही सर। और मैं छठी क्लास में पढ़ता था तो DS4 बनी थी उस टाइम 82 में, तो मेरे से हमारे शिक्षक थे, उन्होंने पूछा यार DS4 क्या है, छठी क्लास में था मुझे मालूम भी नहीं था, तो मैंने उनको बोला सर ये दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है सर इसका मतलब। अरे यार तेरे को कैसे पता है, मैं सब बस बता दिया मैंने ऐसे ही, मैं छठी क्लास में था मैं जब बात बता रहा हूँ सर। तो वो ज्वाला तो हमारे अंदर जब से ही भड़की हुई है, हम तो छठी क्लास थे जब से ही है। सुधीर राज जी सर आप आए सर, आपका एंड्रेज है सर, और मैं अभी GD निरंकारी जी सर आए, 2 मिनट में अपनी बात करते हैं। निरंकारी सर धन्यवाद सर जी, बिल्कुल बोलिए सर, सर समय का पाबंद है सर, 2 मिनट में अपनी बात रखें सर प्लीज। तो सर जय भीम जय कांतिराम तो कह लिया सर, बहुत काफी है अगर इससे। नहीं नहीं, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा सर, आपने काम किया साथ बताइए सर। आज नमन करना है उस महापुरुष को कि जिनके साथ जो काम करने को वाली बात कर रहे हैं सर, आपने जो हम याद करते हैं तो सीधा सीधा कांशीराम साहब का नाम याद करने का मतलब एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह पहचान होती है, जबकि वो चीज नहीं थी। उनकी पहचान एक संगठनकर्ता जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके पूरे भारत को जोड़ने का काम किया, सारे ST ST OBC माइनॉरिटी के इम्प्लाइज को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके, उनके आपको यही करना था जिस समाज की गैर राजनीतिक सोच नहीं होती उसकी राजनीतिक सोच कहाँ से हो सकती है। बांसेप के बाद जब उन्होंने 81 में DS4 बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उसके माध्यम से उनकी अवधारणा क्या थी कि हम भारत के गांव में रहते हैं और वहां वो इम्प्लाइज जो फोर्थ क्लास से लेके IAS तक के जो इम्प्लाइज थे, वो इम्प्लाइज वो काम किए जो एक वॉलंटियर का काम होता है, एक प्रचारक का काम होता है कि स्पोक्स काम किया उन्होंने। लेकिन DS4 के माध्यम से 4 सालों में, मैं तो पूरे बात भारत की नहीं करूंगा, केवल उत्तर भारत में मेरी तैनाती हुई थी। इसके पहले 79 में 81 में DS4 के 4 साल का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं कि गांव में जाके कैडर करना और नौटंकी कीर्तन मंडली ले जाके, इसलिए ले जाते थे कि वहां हमारे लोग इकट्ठा हो जाते थे नौटंकी के नाम पे, फिर वहां कैडर होता था। वो कैडर जो था लोगों को अंदर स्वाभिमान पैदा किया, सामाजिक क्रांति पैदा किया और एक तरह से शैक्षिक हर तरह की सोच आई, केवल राजनीतिक सोच, राजनीति से मानवर को राजनीति से अगर जोड़ा जाए तो बहुत एक पक्षी होगा, मानवर की व्यापक सोच थी। और मानवर को सीधी सीधी एक बात कहते, मानवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, तो सोती कौम को जगाने का काम मानवर ने जो किया, और बड़े निष्पक्ष अटूट दृढ़ विश्वास के साथ। ऐसा मैं बहुत मानवर समय आपने बांध दिया है, मेरे एक विधायक हमारे मामा जी विधायक हुए जो पंचर जोड़ते थे, ग्रेजुएट थे लेकिन साइकिल की दुकान थी तो पंचर ही समझिए, और विधायक होने के बाद फिर क्या हो गया उनका, कहाँ गई विचारधारा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, मैं घर की अपनी बात बता रहा हूँ,
कि आज भटकते भटकते कहीं दूसरे पार्टी में है, कांग्रेस में है, कहां है, कुछ भी बात। मेरे कहने का मतलब यह है, जो राज बहादुर जी उत्तर प्रदेश के बांध सेप के अध्यक्ष थे, बीएसपी बनी तो पहले अध्यक्ष बनाए गए, यही जीपीओ पोस्ट ऑफिस जो लखनऊ की थी, मिलने जाओ तो चुपके से बाहर निकल के मिलते थे पोस्ट ऑफिस में, उनको हिम्मत नहीं थी इतनी कि हम कह दें कि हम बाप सेब के अध्यक्ष हैं या हम इस राजनीति पार्टी, तो बाद में उन्होंने बनाया पार्टी में बाद में जुड़े जब बांसेप के प्रदेश अध्यक्ष थे। ये सब बात के उपज है। जो एक बात है सर, मानवर ने जब यहाँ आने के पहले, मानवर के आने के पहले उत्तर भारत के जो अंबेडकर कहे जाते थे, महामना राम स्वरूप वर्मा जी, जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई करने के बाद ही नौकरी नहीं की और उन्होंने अंबेडकरवाद के लिए अपनी समर्पित हो गए, और जब मानवर आने के बाद राम स्वरूप से मुलाकात हुई जगदेव बाबू कुशवाहा पटना में, और इन लोगों के एक मुलाकात के बाद मानवर ने एक शब्द कहा कि आपने जो ये अर्जक संघ, कमाऊ संघ मतलब अर्जक संघ एससी एसटी ओबीसी, अर्जक संघ के माध्यम से जो काम किया आपने दो जिला दिखा दीजिए। उन्होंने अम्बेडकर नगर जिला फैजाबाद का और कानपुर दिखाया, और मानवर की जादू हुआ कि पूरा अर्जक संघ कन्वर्ट हो गया, मानवर के पीछे चल गया। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की यंग जनरेशन जो लीडरशिप थी सब 22 24 25 साल के लोग मानवर के साथ झंडा उठा लिए, और उस झंडे और नारे और डंडे नीला झंडा ले करके, लेकिन संगठनकर्ता के रूप में जो काम एक मिला, जो वॉलंटियर के रूप में मुझे काम करने के मिला, इस तरह का सौभाग्य फिर दोबारा कभी। हाँ, एक आप मैं कंक्लूड इसलिए करूंगा कि लंबी हो जाएगी बात, क्योंकि अगर कथानक कहने लगेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। जी सर, आप कंक्लूड करें सर। जी नहीं, ये बात कर रहे हैं सर कि वो काम विधि पुपुल में एक झलक दिखाई दे रही कि जो काम मानवर ने किया था जोड़ने जुड़ने का, तो केवल पॉलिटिकल सोच नहीं थी उनकी, उनकी शैक्षिक आर्थिक और हर पहलुओं पर उनकी सोच थी। जब ये पक्ष हमारा मजबूत होगा तभी हमारी राजनीति, लेकिन हमारे लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि हर मंच पर हर जगह केवल किसकी बात होती है, राजनीति की। राजनीति के बात में इतना ध्यान लें आप कि सभी साथी पढ़ते होंगे मानवर की जीवनी में लिखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब चाल चली थी राष्ट्रपति का ऑफर दिया था, उन्होंने राष्ट्रपति बनना मंजूर नहीं किया। क्यों? कि मोमेंट कमजोर हो जाए। उन्होंने कहा मुझे अपने बीचों में लोग धरातल में अपने लोगों के बीच में रहना है, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, मुझे राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनाना है लोगों को, और बना के दिखाया उन्होंने। आज उनका जो कारवा था, हम नहीं कहते कि कभी मोमेंट मरता नहीं है, मोमेंट जिंदा है, अब राख पड़ गई है अलग बात है, दिग्भ्रमित हो गए, जो भी कारण रहे, कारण तो है कि हम कुछ न कुछ हमें क्षति हुई है और क्षति बराबर हो रही है, लेकिन ये पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? आज उनको क्यों नहीं हो रही जिन्होंने अंबेडकर साहब के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, मानवर के नाम पर, उनके त्याग का जिसने फायदा उठाया, ये पीड़ा लाल जाटो को, निरंकारी को क्यों है? सबको क्यों नहीं हो रही है? जो नहीं पीड़ा होती है सर, जब एक घंटा दो घंटा लोगों से फोन पे बात कीजिए, उनको कॉन्सेप्ट बताइए, जुड़िए और जोड़िए। नहीं बिल्कुल सर, आपकी बात कोई असर नहीं हो रहा सर, लेकिन अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जो जोड़ने जुड़ने का मोमेंट चला रहे हैं विधि पीपुल के तरह, विधि पीपुल वही काम कर रहा है जो मानवर ने किया था। मानवर सही बात है, मानवर के कारवां को हम आगे पहुंचा सकते हैं जो बीच में रुक गया था, भाई इसको संकल्प ले लें कि हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। जी धन्यवाद, समय कम है, बस आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आशीर्वाद आपका। जय कांशी राम, जय श्री राम। सर अभी अतेंद्र, क्या नाम है, योगेंद्र जी है क्या सर? योगेंद्र जी, योगेंद्र कुमार जी, राधेश्याम जी हैं क्या? नंबर अतर सिंह जी का है, अतर सिंह भारी भारतीय। नहीं सर, वो एंकरिंग की बात कर रहा सर, मुझे खाना खाना है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अरे मैं देख लेता, खाइए सर, खाइए। राधेश्याम जी, सॉरी सर, सॉरी, मैं आ रहा हूँ जुड़ के 10 मिनट में। आगे राधेश्याम जी, आगे, ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू। हैंड रेज वाले सर, एक मिनट, नौ टू पटना कोई मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में भी कृपया 2 मिनट बोला जाए इस पर, 9 अक्टूबर का जो कल मूवमेंट हो रहा है। हाँ जी, जी उस पर भी 2 मिनट आप लोग बात सर, आप बताइए सर, आप बताइए।
ये जो कल का मूवमेंट है पॉलिटिकल है, सोशल है, रिलीजियस है, क्या है ये? बहुजन मुक्ति पार्टी और बाम सेफ कई संगठनों का है, हो रहा है वो, क्या है? पॉलिटिकल है, सोशल है, वो सभी सोशल लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सभी पोर्टल इकट्ठे हो रहे हैं, या किसी अलग तरह एक ही संगठन काम कर रहा है? नहीं नहीं, बहुत सारे संगठन है, मैं वही तो उस बात नहीं, वो जो आप वो जो संगठन का जो मैंने लिस्ट देखी है वो एक ही, वो वामन मेश्राम जी के 3 संगठन है, सबका नहीं है वो। वामन मेश्राम जी कभी किसी के साथ नहीं चल रहे हैं, तो कई बार उनके पास इन्विटेशन गया है कि भाई आप जाइए, वो नहीं आते, बाकी सब आते हैं। सर वामन मेश्राम साहब का अलग है और ये बीएसटी पार्टी वालों का अलग है, इधर इको गार्डन में है सर उनका माता बाट साहब पे न्यूज पढ़ी के दोनों मिलके कर रहे हैं ये बहुत तो डूब के मरने वाली बात है कि हमारे श्रमण समाज के लोग दो वहाँ पे मोर्चे खोल के बैठे हुए, हमें तो डूब के मर जाना चाहिए सब। बिल्कुल बहुत गलत हो रहा है ये सब सर, एक ही शहर में तो कह रहे विविधा पीपल को कोई नहीं जाना चाहिए जब तक सब इकट्ठा ना हो। सर वो दोनों का प्रोग्राम कांसीराम आगे बात, राधेश्याम जी जरा आगे बढ़ाए, मैं सर खाना खा लेता हूँ। जी सर, जी सर, विविधा पीपल को नहीं जाना चाहिए, अगर सब लोग इकट्ठे ना हो तो किसी को नहीं जाना चाहिए। सर हम लोगों को भी सभी लोगों से बात करनी पड़ेगी और हमको ये करने के लिए वामन मेश्राम, मानकर साहब, चंद्रशेखर जैसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, हमारे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा सर। अरे सर कुछ नहीं करना, आप उनका पैसा बंद कर दो, वो सब बंद हो जाएगा। बंसोड़ जी तो कह रहे थे कि मेश्राम साहब के साथ काम करना चाहिए। जब तक सब इकट्ठे नहीं होते बाम सेफ की खूब तलबदारी करके गए हैं। जी जी, मैं खूब उनकी वो कर रहे थे सर, नहीं है और उनको बीच में रोक दिया था, मैंने कहा हमको ये विचार अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं सर। ये लखनऊ में दोनों अलग अलग पार्टियां, बहुजन मुक्ति पार्टी का अलग है और जीएसपी का अलग है सर। बाकी अरे सर, सर बावन मिश्रा ने तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया है कभी भी, अब उनके छोड़िए। और ये हमारे बीच जो हैंड्रेज है उसमें हम सबसे पहले नारी शक्ति को जो है बुलाते हैं, मनीषा निगम जी, मनीषा निगम का हैंड्रेज अगर सुन पा रही हूँ तो आए। और राधे श्याम जी नंबर लो, अतर सिंह जी का सबसे पहला नंबर है, अतर सिंह जी का सर। हाँ अतर सिंह, हाँ सर, हाँ सर जी, अतर सिंह जी का नंबर पहला है, फिर सत्य प्रकाश परिहार जी का है, फिर मनीषा बहन जी का है। लेकिन ये सर मुझे सबसे पहले प्रयास आप लिख रहा नहीं, मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूँ, उनका अतर सिंह जी का है, उन्हीं को लो ना आप। अच्छा अच्छा सर, अतर सिंह जी अगर सुन पा रहे हो तो जी जी बात है जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मानवर कांशीराम साहब। आप सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारे बीच में चर्चा हो रही मानवर साहब के जीवन चरित्र पर, तो मेरे ख्याल से उनके चरित्र से हमको शिक्षा लेना चाहिए कि उन्होंने उस विषम परिस्थिति में काम किया जिस समय पर बाबा साहब अम्बेडकर का या जो हमारे बहुजन महापुरुष थे उनका आंदोलन एकदम शिथिल हो चुका था। उसमें बीच में लोगों ने काम किए लेकिन वो इतने बृहद रूप नहीं कर पाए जितना कि मानवर साहब ने किया। तो साहब से सीखने की एक सबसे अच्छी बात यही है कि उस विषम परिस्थिति में जब उनके साथ इतने बुद्धिजीवी लोग नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज होने के बाद में भी इतने टुकड़ों में हम लोग टूटे हैं। तो इन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए जैसे अपना कॉन्सेप्ट है बी द पीपल, तो इसके इस तरीके का इसको और स्पीड में बढ़ाने की जरूरत है कि हम लोग जो टूट रहे हैं इससे हमारा पूरी संस्कृति भी तहस नहस हुई है, हो रही है, हमारे राजनीतिक संवैधानिक अधिकार भी तहस नहस हो रहे हैं, हमारी जो संपत्ति है अचल संपत्ति जो कि हम उसको हासिल नहीं कर पाए और वो जो भी बची है अभी थोड़ी बहुत भी लोगों के पास, तो वो भी खतरे में है। यानी हमारे और अभी स्कूल के माध्यम से यानी स्कूली शिक्षा के माध्यम से हम लोगों का जो भविष्य है वो एकदम अंधकार में जा रहा है। उसके बाद भी हम लोग इस बात को बार बार सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं, तो एक होने के लिए कौन सी शक्ति आएगी? एक होने के लिए हम लोगों को ही एक होना है ना, तो एक होने के लिए चाहे बामन मेश्राम साहब हों
चाहे बहन जी हो या फिर कोई दूसरे लोग हो, तो उनको करने का तरीका क्या हो सकता है, उस पर हमको ज्यादा गौर करना चाहिए। मैं इतनी बात को कहकर अपनी बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वक्ता बहुत लंबे हैं और बोलने को हर एक वक्ता। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद, बने रहिए आप। हमारे भी सत्य प्रकाश सर आए, अपनी बात रखें संक्षेप में। थैंक यू, थैंक यू सर। सत्य प्रकाश सर, सभी को जय भीम, नमो बुधाय, जय साहब काशीराम जी, नमन है उनको। आज मैं सिर्फ एक मिनट में दो ही बातें कह रहा हूँ कि साहब काशीराम जी ने कहा था कि मुझे ना बिकने वाला समाज बनाना है, तो उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने नेताओं के बारे में कहा था कि अगर वो कोई बिकते हैं या उनकी बात होती है तो उनको उनकी चटनी बना के खा जाओ। तो ये दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट थी और इन पे अभी हम लोग जो है ना वी द पीपल, हमारा ये काम है कि हम थोड़ा सा इन चीज इन दो बातों पे ध्यान दें। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। साधुवाद सर आपको, आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी। अब मैं बहन मनीषा निगम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने वक्तव्य संक्षेप में रखें। बहन मनीषा निगम जी, राधे श्याम जी, अपनी वीडियो ऑन कर लो आप। सर हम मोबाइल से कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ा कौन हैंड रेज किए हुए हैं। हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, हम बता देंगे आप। अच्छा सर, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय काशीराम जी। मैं मनीषा निगम, दिल्ली तिलक नगर। मैं सिर्फ यहाँ पर आज काशीराम जी की जैसे बात हो रही है, मैं उनकी दो बातें कहना चाहूंगी कि बाबा साहब के जाने के बाद 1956 के बाद जो फुले अम्बेडकरी जो विचारधारा थी वो मूवमेंट जो था वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, एक मतलब कहने का है कि बंद हो गया था। उसको फिर से पब्लिक के बीच में लाने वाले वो मान्यवर काशीराम जी थे। फुले अम्बेडकरी विचारधारा को फिर से जीवित करने वाले मान्यवर काशीराम जी थे, और बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाने वाले मान्यवर काशीराम जी थे। बीएसपी का निर्माण करने वाले काशीराम जी थे। लेकिन उन्होंने जो इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसके उनके उस जीवन का बलिदान करने के बाद जो हमारे समाज ने उनके साथ किया वो बहुत दुखदाई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो उन्होंने हमसे अपेक्षा रखी थी कि मैंने ये मूवमेंट यहाँ तक खड़ा किया है, और हमारे जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, उस मूवमेंट को भूलकर और वही जो उन्होंने नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, आज वही उनके विरोध में उसका उलट नारा देकर हमारे समाज ने क्या किया, उनके साथ विश्वासघात किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी ना कि या तो तुम अपने महापुरुषों को मानो मत, या तो उनकी मत मानो या उनको मत मानो, या फिर तुम दोनों को मत मानो, या तुमने अपनी चलानी है तो फिर अपनी चलाओ ना, अपना नया कुछ करो। उनके खड़े हुए मूवमेंट पे आज तुम राज कर रहे हो, आज तुम उनके दिए हुए मूवमेंट पर तुम देश में शासन कर रहे हो, नौकरियां ले रहे हो, अच्छी जॉब लेकर अच्छे घर मकानों में रह रहे हो, तो तुम तो एक तरह से अपने महापुरुषों के साथ गद्दारी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को, जो कि इतना कुछ लेने के बाद आज तुम ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हो उनके साथ विश्वासघात करके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने महापुरुषों के साथ ऐसा ना करके उनकी विचारधारा को और आगे बढ़ाओ, उसको घर घर तक पहुंचाओ, जहां तक नहीं पहुंचा, जो अधूरा रह गया वो हमारा पूरा करने का हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम उनकी विचारधारा को आगे पहुंचाएं और उनके अधूरे कामों को पूरा करें। और बाकी मैं एक NCRO दिल्ली के लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारी 17 अक्टूबर को दिल्ली प्रदेश में एक पिकनिक संगीति होने जा रही है, तो उसके लिए सभी से अनुरोध है कि वो अपने घर से अपने परिवार के साथ सब लोग वहां आए, अपने साथ अपना खाना पीना, अपने बच्चों के साथ जो खेलना चाहे वो खेल खिलौने और दरी और पानी का इंतजाम खुद लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, और विदा पीपल का जो ये नया प्रयास है इसको सफल बनाने में अपना पूरा पूर्ण सहयोग दें। और ये दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि ऑल इंडिया के लिए है, सभी जो प्रदेश के लोग हैं सभी को ये इस मूवमेंट में भाग लेना चाहिए। वो जो जहां है वहीं पर, चाहे वो दो परिवार मिले, एक परिवार मिले, चार परिवार मिले, वो इस मूवमेंट को
एक छोटा सा बैनर लगा के विदा पीपल का, और वहां पर वो पिकनिक के रूप में उसे मनाने की कोशिश करें। इससे क्या है कि एक हमारे समाज में नया संदेश जाने वाला है, एक नई एक इतिहास लिखने वाला है विदा पीपल की। हमारे जो समाज के लोग हैं अशोक का विजयदशमी को सभी लोगों के साथ जो ब्राह्मण लोग जो मनाते हैं, जो रावण बुराई पे जीत का जो कहकर रावण का पुतला जलाते हैं, उसको ना करके हम पिकनिक एक हंसो खुशी के रूप में हम उसको मनाएं। इसलिए ये दशहरे के बाद का पहला संडे निर्धारित किया गया है कि जो हमारे बच्चे उस दिन देखेंगे कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग घर में हैं, तो हम अपने बच्चों को मायूस ना होने दें। उनके लिए हमने पिकनिक का आयोजन का ऐलान किया है। तो इसको सफल बनाने के लिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग घर से बाहर निकलें। इसमें जितने भी सभी लोग देश के लगभग सभी राज्यों से लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, सभी लोग अपने अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यक्रम आयोजित करें और सभी फोटो खींचकर ग्रुप में जरूर डालें, जिससे कि इस मूवमेंट का जो सभी को एक संदेश जाए, ताकि अगले साल जो इसका डबल इससे ज्यादा लोग बाहर निकले घर से। बस मेरी यही रिक्वेस्ट थी जी, मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद आपको बहुत बहुत, इसे मोटिवेशन भी मिलेगा, फोटो वगैरह जो जाएगी लोगों में। अब जो है हमारे समक्ष है भारचंद पिंगोलिया साहब जी, अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपनी वक्तव्य रखें। और भी साथियों से अनुरोध है कि जो अपने वक्तव्य रखना चाहते हैं वो हैंड रेज कर दें, तो हमें आसानी हो जाएगी और आपको बुलाने में और आपको वक्तव्य रखने में। तो विद्या पीपल के सभी विद्वान साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहूंगा पहले तो, और विद्या पीपल के माध्यम से समान समाज के पुरुदा और राजनीतिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले बहुजन समाज के विचार माननीय काशीराम जी को आपने विद्या पीपल प्लेटफॉर्म के माध्यम से याद किया, और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपन अपने जो वास्तविक जो बहुजन समाज के निर्माता हैं उनको याद करते रहें। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि वे जो लोग जो धन्य हैं उनके मानवीय अधिकार पूर्णतः मिलने तक जो अच्छे की बुरे की और सुख की दुख की संकटों की तूफानों की और मान अपमान की परवाह न करते हुए वो इस संघर्ष में लगे हुए हैं। बहुत सारे पूर्ववर्ती विद्वानों ने वक्ताओं ने अपने अनुभव शेयर किए, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि निजामे कोहन बदल डालूं, और मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं, उठो जागो मेरी कौम के सोए हुए लोगों, ये सब की बात है, दो चार दस की बात नहीं। हम बिखरे बिखरे जब तक रहेंगे तब तक अपन अपने राजनीतिक अधिकारों को, सामाजिक अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को बचाने में असफल होंगे। ये कारवां ये मोमेंट विद द पीपल के माध्यम से हमें मिला है, हम जोड़ने और जुड़ने का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, यही इसी भावना मनोकामना के साथ में मैं इस चाहता हूं कि आप औरों को मौका दीजिए। धन्यवाद राधे श्याम जी और सुधीराज सिंह जी, आप सभी साथियों को, परियार साहब को, चुट्टन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कार्य कर सर। थैंक यू पिंगोलिया जी, आप चौबों की मीटिंग फिक्स करो ना, आपका फिर टाइम थोड़ा जगेगा। बिल्कुल कर रहे हैं सर, अभी थोड़ा सा छुट्टियां पड़ जाए उसके बाद में करेंगे सर, क्योंकि ऐसा ना जो उत्तर प्रदेश के हमारे टीचर साथी हैं वो भी आएंगे, ये राधे श्याम जी का कानपुर में बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये भी आएंगे, उधर राजस्थान के टीचर से मिलेंगे अपने भाइयों से। बिल्कुल 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 सर, सभी आओ सर, और फिर क्या बोलते हैं वो खाएंगे वो बाटी चूरमा वो ही कराएंगे सर आपका फेवरेट डिश है यहाँ की। हाँ नहीं आप डेट कर लो, ठंड भी आ गई ना, ये दरअसल राधे चौमू तो प्रसिद्ध है सर, चौमू तो बेर के लिए, सब्जियों के लिए, दूध के लिए प्रसिद्ध है सर। हाँ तो आप फिक्स करोगे तो फिर एक दो दिन एक्स्ट्रा रख के आएंगे ताकि राजस्थान में घूमेंगे मजे से, आप कर बिल्कुल सर चल रही है उसकी, मैं 13 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं जयपुर डाक बंगला में उससे संबंधित। चलिए ठीक ठीक है सर, पिताजी भी आएंगे जरूर चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल साधुवाद सर आपको, और चौधरी गंगाराम जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और संक्षेप में वक्तव्य रखें। चौधरी गंगाराम जी
क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ हाँ, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम नमो बुद्धाय सर। क्योंकि आज प्रोजेक्ट जो है माननीय काशीराम का है, उनके बारे में सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए। मैं माननीय काशीराम से 1978 में जब वो बम से पुले का लखनऊ आए, तो 7-8 लोगों ने हमने उसको उनकी बात को सुना गांधी पार्क में लखनऊ के, और उनकी बातों को सुनने के बाद ये जाना कि बामसेफ एक बहुत अच्छा संगठन वो लेकर आए हैं। उसी को लेकर मैंने नरई की धर्मशाला में एक कैडर कैंप भी किया, उसी में हमारी उनकी थोड़ा बातचीत हुई कि बामसेफ की फुल फॉर्म थी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज कम्युनिटी फेडरेशन जी। उसकी फुल फॉर्म थी यही थी कि बैकवर्ड माइनॉरिटी एंड एम्प्लॉय कम्युनिटी फेडरेशन। मेरा उनसे सवाल था कि अभी हम अपने समाज के अंदर जो आज की तारीख में समर संघ समाज चल रहा है, उसमें हम बाबा साहब की फोटो नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहां माइनॉरिटी कहां बैकवर्ड लगाएगा? जैसा कि भी कुछ बहुत लोगों ने कहा कि बाबा साहब के खत्म होने के बाद बाबा साहब का मूवमेंट बिल्कुल रुक गया था और काशीराम जी ने आए के उसको संभाला या आगे बढ़ाया। मैं इसमें ये मानता हूं कि बाबा साहब के जाने के बाद ही तो बाबा साहब का मूवमेंट तेज हुआ और वो इस हद तक गया कि बाबा साहब को सब लोगों ने जानना शुरू किया। सन 1980 में जब हमारे और माननीय काशीराम के मतभेद हुए, ये लोगों ये बात आप लोगों को समझ में इसलिए अतिशयोक्ति लगेगी कि मेरे जैसे व्यक्ति यहाँ बैठ के आपके सामने बात कह रहा। अरे सर याद है, कामन हाल विधायक निवास कामन हाल मुझे याद है सर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय काशीराम की ये सोच थी जो माननीय निरंकारी जी ने कहा कि वो मिशन पर काम ज्यादा कर रहे थे, राजनीति उनके बिल्कुल दिमाग में नहीं थी शुरुआती हालतों में। और मेरा उनसे यही बात कहकर अलग मैं हुआ कि मैं उस समय पॉलिटिकल एक्टिविटी में बहुत आगे था। उन्होंने कहा भी जो लोग राजनीति करते मेरे साथ नहीं रह सकते, और उनका मिशन था कि 1990 तक हम कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, सिर्फ मिशन को ही आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी सोच थी उनकी, लेकिन बीच में जैसा कि अभी जीडी निरंकारी साहब बोल रहे थे कि BS4 बनाया, और उसके कुछ ही दिन बाद अगर उसका मूवमेंट भी चलता BS4 का, तो पार्टी का गठन भी है बहुजन समाज पार्टी का हो गया। उसके बाद से जो मिशन की ऐसी तैसी हुई है वो आप सब देख रहे हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक मंच ऐसा हमारे सामने आया जिसको हम कह सकते हैं हमारा राजनीतिक दल है, और उस राजनीतिक दल में लोगों ने जी जान से साथ भी दिया, आज तक भी साथ दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे समाज की हमारी जो स्थिति राजनीतिक है, क्योंकि मैं राजनीति के एरियो में काम करता हूं, आज सबसे ज्यादा हर राजनीतिक दल ने आप और हमारी सबको ऐसा नंबर दो का नागरिक मान रखा है। अब हम एक गुलामों की स्थिति में वहां काम करते हैं एक राजनीतिक रूप से, इसीलिए कोई भी मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं इस संबंध में यही कहना चाहूंगा कि जो अब हमारा जो एक कारवां चालू शुरू हुआ है जुड़ने और जोड़ने का, वी द पीपल को राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहा है, वी द पीपल सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आर्थिक और जितने भी पहलू हैं उन सब पर विचार करते हुए एक जुड़ने जोड़ने की मुहिम चला रहा है। आपको मैं बता दूं, ये बहुत बारीक बातें हैं,
मान्यवर काशीराम को बहुत बाद में मान्यवर नाम जोड़ा उनके सामने, उससे पहले उन्हें साहब कहना शुरू किया था। और मुझे याद है कि बेगम हजरत महल पार्क में जब मीटिंग हुई थी वामचेप की, तो उस समय बाबा साहब का फोटो भी वहां नहीं लगे थे, किन किन लोगों के फोटो थे वहां। तो ये साहब और मान्यवर के बीच की एक कड़ी मैंने जोड़ी है, क्योंकि वो क्या चाहते थे, समाज का काम तो सब करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना आगे को भी कह दूं और पिछली भी बात याद दिलाता रहूं, बाबा साहब की ऊंचाई को कोई आदमी छू नहीं सकता। उन्होंने जो काम करके हमारे बीच से गए हैं, जहां हमें उन्होंने पहुंचाया है, उसकी बराबरी करने की कोई ना तो हिम्मत कर पाएगा ना ही वो क्षमता है किसी में। आने वाले दिनों में मैं नहीं मानता कि कोई इस तरह का कोई आदमी आएगा। तो इसलिए बहुत लोगों ने कोशिश की है कि उन जैसा कुछ काम हम कर जाएं, लेकिन वो बहुत बहुत ही बहुत एक धरती और आसमान के ऊपर को अगर आप देखोगे तो वही अंतर दिखाई पड़ेगा। मैं ज्यादा ना जाते हुए आज इनका, क्योंकि कल परिनिर्माण दिवस भी है मान्यवर काशीराम का, मैं उन्हें नमन करता हूं। और जो समाज को उन्होंने दिया, जो जागृति जगाई, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में काम हुआ एक राजनीतिक पार्टी बनाने का, जिससे मिशन हमारा अधूरा हुआ। क्योंकि बाबू जगजीवन राम के समाप्त होने के बाद जो दलित राजनीति थी देश की, उस राजनीति में बिल्कुल शून्यता आ गई थी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इग्नोरिंग द पॉलिटिक्स और दलित समाज, ये काशी राम जी की बहुजन समाज पार्टी का उद्गम था। और इसमें जो नुकसान हमें हुए हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार मिलकर ना बनती तो आज 303 सीट लिए बीजेपी यूपी में देश में ना होती। महबूबा मुफ्ती अगर सरकार ना बनाती कश्मीर में तो किसी की हैसियत नहीं थी, 370 खत्म हो जाती। तो ये तो लमो ने गलती की, सदियों सजा पाएगा, ये हमारे साथ हुआ है। मैं ज्यादा न कहते हुए, बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, माननीय काशीराम को अपना नमन करते हुए अपनी बात समझते हैं। साधुवाद साधुवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई माननीय साहब के बारे में। माननीय साहब ने ये भी कहा था साथ में कि सरकार बने न बने, राजनीति चले न चले, लेकिन हमारी सामाजिकता चलनी चाहिए। तो वो बी द पीपल ने स्टार्ट कर दिया है और काफी अब यही कंसल्टेट करो जो भी कुछ है, क्योंकि ये चीज अब आपकी शुरू हो गई है जो उन्होंने छोड़ी थी। जी सर जी, और बीच में जो चीजें आई हैं, इसीलिए मैं आपकी साथ में रोज रहता हूँ, इसी वजह से कि शायद कोई कार में आगे आप लोगों में से कोई निकल के आगे बढ़ जाए। अब हमें तो बहुत ज्यादा भाग करने की हिम्मत नहीं रह गई है भाई, बड़ी उसकी आशीर्वाद ही बहुत होता है। आप बने रहिए, आशीर्वाद ही बहुत होता है। अब हम चाहेंगे अगली कड़ी में कि अनंत चौरसिया जी हमारे बीच हैंडरेज है, आप अपने बात संक्षेप में रखें। श्रद्धे अनंत चौरसिया जी। जी सर, मैं लखनऊ से हूँ। माननीय काशीराम साहब को नमन और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, उनके विचारों को हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ाएं। और इस जो 4 घंटे की मीटिंग होता है, इसमें मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज में एकता स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों ने जो हम लोगों को बहुत सारी जातियों में डिवाइड कर रखा है, यह एक इमेजिनरी फैक्ट है, काल्पनिक है। और हम लोग को एकजुट होने के लिए अगर आपस में शादियां करने का इस पर 15 मिनट का समय रखा जाए तो वो बहुत अच्छा होगा मेरे विचार में। और जीडी निरंकारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके कारण ही मैं इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। साधुवाद सर, हो गई आपके वक्त पूरे हो गए सर? जी, सर। मैं माफी चाहूंगा, मेरी बैटरी खत्म हो रही है तो मैं जरा इसलिए आप सभी लोगों से माफी मांगते हैं, मैं लीव कर रहा हूँ। सर आप बैटरी वो लगा चार्जर लगा लीजिए ना सर। अच्छा लगा।
हमारे बीच पुष्पा जाटो जी, पुष्पा जाटो जी अपनी बात रखें, पुष्पा जाटो जी अगर सुन पा रहे हैं। जी जय भीम, नमो बुद्धाय सभी के लिए, मैं पुष्पा बौद्ध बोल रही हूँ। जय भीम नमो जी, मेरी आईडी पुष्पा जाटव से है तो फिर उसमें पुष्पा जाटव नाम ही आता है, कोई बात नहीं, कोई बात जी जी जी। आज सबसे पहले मानवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, और बहुत देर से सुन नहीं बल्कि डेली ही सुनती हूँ सभी के लिए, डेली सुनने की कोशिश, पूरा काफी समय जुड़ी रहती हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं कि हम मतलब महापुरुषों के बारे में, आज भी है मानवर काशीराम साहब ने जो किया वो सब आपने सबने देखा है, जो लगभग मेरी या मुझसे ज्यादा एज के लोग हैं सबने देखा है। काशीराम साहब ने तो साइकिल भी चलाई और हमने वो समय भी, मैंने खुद भी देखा, दो दो रुपए की सदस्यता शुल्क भी काटा है, और लखनऊ में कम से कम 100 महिलाएं ले जाके खिचड़ी भी खाई है, जहां अब हमारे बहुजन समाज के लोगों को खड़े भी नहीं हो पाते। उस समय मान्यवर खिचड़ी भी खिलवाते थे, मतलब वो जानते थे कि हमारा समाज बिल्कुल भूखा है, गाड़ी में भर के चले जाते थे, ट्रेन में मान्यवर काशीराम साहब का आह्वान होता लोग चले जाते। तो आज हम सबको उनकी बात मान के और काम करना है, उसी तरह से करना है, और आज विदा पीपल के मंच से हम लोग ये काम शुरू कर दिए हैं, सब आप सबने काम शुरू किया है, तो हम एक संघ के रूप में काम कर रहे हैं और सफलता निश्चित मिलेगी। मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए जय भीम नमो बुद्धाय जय काशीराम। साधुवाद, जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे बीच अजय जलवान सर जो ग्लोबल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपना बहुमूल्य विचार हम सबको दें। अजय जलवान नमो बुद्धाय सभी को सर, थैंक यू आपने बोलने का मौका दिया। सर यहाँ पे जो है अमेरिका के अंदर काशीराम जी का बहुत नाम है, यहाँ पे बहुत सारी जो है संस्थाएं उनके नाम से जो है जुड़ी हुई हैं। देखने में यह है कि संस्थाएं शुरू होती हैं, कुछ एक जैसे रविदास मंदिर भी शुरू होते हैं, पर जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर बंटवारा हो जाता है। यहाँ पे कोशिश करते हैं लोग, बहुत सारे अम्बेडकर राइट्स अब मैं धीरे धीरे जान पा रहा हूँ लोगों को, और यहाँ पे अभी जब मोदी आया था तो लोगों ने उसका जो ओपोज भी किया था, बहुत सारी जो गलत नीतियां जो चल रही हैं वहां पे। फिर यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हम लोगों का समाज जो जब भी इकट्ठा होता है लोग अपने अहंकार में सब बढ़ जाते हैं, तो इसका जो है देखने में समाधान कभी समझ में नहीं आता। लोग हम ये वी द पीपल की मुहिम चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पर जो हमारे यहाँ पे जो समस्या आ रही है वो ये है कि देखिए बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे पास, बुद्ध हुए, काशीराम जी हुए, जो अम्बेडकर हुए, फूले, बहुत सारे लोग हुए, पर लोग आए और लोग चले गए, पर हमारा समाज कभी इकट्ठा नहीं हो पाया। तो हमने यहाँ पे जब हम इकट्ठे हुए थे तो मिलके हमने ये सोचा कि भाई महीने में एक दिन कम से कम जो भी यहाँ के लोग हैं आपस में तो किसी एक के घर पे इकट्ठा होके बैठ के चाय पानी पिएंगे। तो इस तरह करके जो है हम यहाँ पे मुहिम शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैरीलैंड है, वहाँ के अंदर एक बहुत बड़ा अम्बेडकर जी का जो है एक हमने वो गेस्ट हाउस की तरह बनाया है यहाँ पे, यहाँ न्यूयॉर्क में भी कर रहे हैं इकट्ठा होके। तो हम लोग लगे हुए हैं, पर मुझे लग रहा है कि हम जैसे अपने परिवार के सब लोग आपस में जितने भी जो हैं लोग इकट्ठा हो जाएं महीने में एक बार, तो उससे हमारा जो ये सामाजिक संगठन है, सामाजिक जो है हमारा संघ है, वो लगातार बना रहेगा। ये एक वी द पीपल एक मुहिम है जो हम लगातार जो है ऑनलाइन चलते रहें, और बस मेरी आप सबसे यही विनती है कि इसको प्लीज कंटिन्यू करते रहिएगा। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। सिलवान जी सर, हाँ जी सर,
जहाँ कोई रहा सब वापस आ रहे हैं और कोई कह नहीं जा सकता क्योंकि इससे अच्छा कुछ है नहीं अभी किसी के पास भी। और अगर किसी के पास इससे अच्छा होगा तो हम भी चले जाएंगे भाई, चिंता ना करो आप, कोई अच्छा तो लेके आए। अच्छा मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जो वहाँ मीटिंग करने जा रहे हो ना, तो आप तो पोस्ट बना लेते हो ना आप तो अपने हाथ से? हाँ सर, हम बनाते भी हैं और वो कुछ एक पोस्ट भी किए थे मैंने वहाँ पे, जो यहाँ पे जब मोदी जी की जब हम यहाँ पे गए थे। मैं आपको जो वी है, वी का लोगो और जो बैकग्राउंड है ना ये वाला, वो भेज दूंगा प्लेन, आप अपने आप बना बना के भेजते रहो ना वहां से, तो अच्छा रहेगा लोगों को सबको, ताकि वी लोग लगा सर वी की आदत पड़ जाए, क्योंकि पोस्ट सेम लेनी चाहिए नेशनल इंटरनेशनल दोनों। हाँ जी, तो बहल साहब की जो सहायता से हम जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे मिल पा रहे हैं, बहुत पुराने लोग और बहुत जो है कट्टर लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं। आप पोस्ट भेजिए, मैं आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। नहीं, मैं आपको क्या बोलते पोस्ट का बैकग्राउंड और ये सब लोगो वगैरह भेज दूंगा, आप इसी पे बना के और अपना जो जहां जहां भेजना चाहे इंटरनेशनल रूप से भेजते रहे वहां, वीजा पीपल कर देंगे सर, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, वो यहाँ भी आती रहेंगी तो हम यहाँ भी सबमिट करते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। जय भीम सर। जय भीम। जलवान जी, कल इंटरनेशनल है यूथ के साथ। सर जी बिल्कुल है, पर बच्चों की जो है दो दिन से थोड़ा सा अच्छा सर, डॉक्टर भी आप भी नहीं आ रहे थे और अपने बैल साहब भी थोड़ा प्रॉब्लम, उनकी उनका घुटने का ऑपरेशन हो गया सर। हाँ जी, हाँ जी, हो गई उनकी सर्जरी, हो गई थी, वो रिकवर कर रहे हैं अभी बैल साहब। और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, चाहे मैं जो है वहां पे लेके जाना है इनको, पर बिल्कुल जरूर कोशिश करूंगा। बीच में टाइम निकाल लेना, जितना भी चार घंटे मत बैठना, एक घंटे डेढ़ घंटे के हिसाब से आ जाना। थैंक यू सर, बहुत बहुत जरूर, कल डेफिनेटली। ओके ओके सर, जय भीम सर। जय भीम सर। और यहाँ पे मैंने लोगों को बोला भी है आने के लिए, वहां पे ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे जो लेडीज खासकर जो है यहाँ पे हैं, मैं मिला था लोगों से, तो लेडीज जो है उनको आपकी जैसे बातें बताई मैंने और जैसा शेयर किया तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, और महिलाएं ही हैं जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। जय भीम। जय भीम। हाँ जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए सर। अब हमारे बीच में छुट्टन लाल जाटो जी हैं सूरत से। जय भीम नमोदा सर। सर आज का जो विशेष टॉपिक है काशीराम जी से के बारे में है, तो मैं बड़ा मतलब मैं बचपन से ही मैं बच्चा था तब से ही उनका नाम आया, तब से ही मैं बड़ा उनका नाम सुन के उछल जाता था, जैसे उछलता कहते हैं ना काशीराम जी का। तो उनकी मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो उन्होंने क्या है कि बहुजन राजनीति को आक्रामक बनाया। उससे पहले हमारी जो पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स में हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने आक्रामक बनाया। कभी किसी प्रधानमंत्री के घर वो गए नहीं, अटल बिहारी था या जो भी लाल कृष्ण अडवाणी थे उनके घर पे आते थे मिलने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ताकत समाज में है। एक बार लखनऊ में एक सभा हो रही थी, इसमें अडवाणी जी में मौजूद थे, तो अडवाणी ने बोला था सर आप काशीराम जी आप एक्चुअल में तो प्रजातंत्र आपके पास में, हमारे पास में नहीं है एक्चुअल में, जो जो 20 लाख की भीड़ है 10 लाख की है, प्रजातंत्र तो आप लोग हो, हम कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी ताकत थे वो एक समाज की। और बाबा साहब का मूवमेंट 1956 के बाद में 20 साल मतलब थम सा गया था, बाद में काशीराम जी आए, दीनावाना जी, इन्होंने मिलकर आगे बढ़ाया। तो वो काशीराम जी 2001 के बाद में डिसेबल हो गए थे, उनको अटैक पड़े थे, तो अभी 20 साल उनको पूरे होने वाले हैं उस गैप को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 20 साल पूरे हुए तो पिता पिपल अभी आ गया है, जैसे बाबा साहब के जाने के बाद 20 साल काशीराम जी आए, तो काशीराम जी के बाद में 20 साल का गैप जो है वो कम्प्लीट हो रहा है और विदर पीपल आ गया है। तो हमें ये बहुत खुशी की बात है कि वो जो गैप है वो अभी मेंटेन हो जाएगा, और ये बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ इस बात को, और यही बोलना चाह रहा हूँ सर। थैंक यू, विदर पीपल से जोड़िए। मैं तो बंद होगा मेरा, खोलिए जरा, नहीं मेरा नाम पुकारेंगे। बहुत बहुत साधुवाद सर। अर्चना गौतम जी है आगे। जी जी, अर्चना गौतम जी बोलिए। हाँ जी सर, सभी साथियों को जय भीम नमोदाय, जय संविधान, जय मान्यवर काशीराम जी। सर मैं, हाँ जी, मैं भी उन लोगों में से हूँ जो मैंने भी बचपन से जो है
माननीय काशीराम जी ने जब पहली बार बामसेफ की स्थापना करी थी तब हम उस मीटिंग में मेरे पिताजी शामिल थे और हमें सब बच्चों को लेकर गए थे। हम उस टाइम पे बहुत छोटे बच्चे थे, तो जब बामसेफ की दौर थी सिर्फ 15 लोग उसमें शामिल थे और मुझे अब भी वो घटना याद है जब माननीय जी मंच से जो है बोल रहे, बहुत छोटा सा कार्यक्रम था और वहां से वो बहुत बड़ी बात कर रहे थे तो हमें समझ में नहीं आती थी उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो बहुजन मूवमेंट से जैसे उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली उसका भी अभी थोड़ा थोड़ा याद है। उसमें हमारे पिताजी भी जब वो भी साइकिल पे घूमते थे उनके साथ साथ में और उनके उन्होंने जो है अपने लोगों की जो शोषण होता है उसकी एक यात्रा निकाली 14 अप्रैल को, बहुत बड़ी क्या नाम निकाली। हम भी उसमें टेम्पू में बैठ के जो है पूरा दिन देवनगर की करोलबाग की सड़क पे, हमारा बचपन वहीं बीता है देवनगर में दिल्ली में, तो वहां पे से निकाले। तो बहुत सारी मान्यवर की घटनाएं वो जो उनकी यादें हैं हमारे साथ में हैं और हमारे फादर जो थे वो उनके बामसेफ में ही करते करते उनका 10 साल पहले जो है परिनिर्वाण हुआ था। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमने अपने अंदर ये अलग जगाई है कि जो काम मान्यवर जी और हमारे फादर छोड़ के गए हैं उस काम को हम जो है आजमाएंगे। और अभी देखो विदा पीपल की एक मैं आप ताकत बताती हूँ कि यहाँ पे गुड़गांव में एक मीटिंग हुई तो मुझे वहां पे मैंने अपना काम बताया, हालांकि विदा पीपल का बताया और अपना जो 15-20 साल का जो काम है उसके बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना। अभी एक ही मीटिंग हुई है सिर्फ पिछले महीने को और आज ही फोन आता है कि ना आप जो है 500 रुपया संगठन के उसमें डालिए, 1500 रुपया चंदा। तो अब मुझे 4 महीने विदा पीपल में जुड़े हो गए लेकिन किसी ने भी आज तक कोई पैसे की डिमांड नहीं की है और उसमें ना तो कोई रणनीति है ना कोई कार्यक्रम है ना कुछ भी नहीं है, बस महिलाओं का कार्यक्रम करना है, 5000 रुपए में हॉल बुक करना है, पर्चे छपाने हैं, ये है। मैंने कहा यही सब करते करते तो सारी उम्र निकली है बामसेफ में, जो इतना पैसा टाइम एनर्जी दिए हैं अपने। आज मैंने कहा आप भी वही काम शुरू कर रहे हैं, मैंने कहा आप भी आप विदा पीपल में जुड़िए तो यहाँ कोई पैसा नहीं देना पड़ता और फ्री की जगह में। बोल रहे नहीं जी यहाँ गुड़गांव में तो ऐसे फ्री की जगह नहीं है और कोई होती है तो आप बता दीजिए, ऐसे बोल के और मेरे को फोन उन्होंने कट कर दिया। तो ये हम देखते हैं कि आज भी वही है, कहते हैं महिलाओं का कार्यक्रम है आप महिलाओं को इकट्ठा करिए। तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे। फिर मैंने एक और महिला है जो हमारे यहाँ की कर्मठ कार्यकर्ता है उनसे फोन करा, वो कहने लगी ये है ना सोचते हैं कि जो कार्यकर्ता है जुड़ गए हैं तो हम इनके ये लोगों को जोड़ेंगे और हम जो है सिर्फ नेता बनेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि देखो हम बहुत बेवकूफ बन लिए, अब नहीं बनेंगे, हम कार्यक्रम करेंगे लेकिन हम उस करेंगे प्रचार भी करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन हम विदा पीपल का ही वो प्रचार करेंगे, वहां पे इनका कार्यक्रम को चौपट करेंगे। तो बोलने लगे ठीक है एक रणनीति बनाते हैं, अब मिलते हैं अभी थोड़े दिन में और करते हैं। तो जो माननीय जी का सपना था और जो विदा पीपल का है वो विदा पीपल के माध्यम से ही माननीय जी का सपना मुझे लगता है कि वो पूरा हो सकता है और इसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ पे जुड़े हैं और काम करेंगे। और ये जितने भी संगठन है जो सिर्फ नेता बनने के लिए काम करेंगे करें इनके साथ जुड़े रहेंगे लेकिन इनके प्रोग्रामों को ना करके हम विदा पीपल को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी माननीय जी को आदरांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। जय भीम नमो बोलता है धन्यवाद। अभी अभी इससे पहले जो वक्ता थे छुट्टन लाल साहब उन्होंने बहुत बढ़िया आकलन किया था, जो 20 साल का गैप वाला वो बिल्कुल सामने साक्ष के रूप में नजर आता है और नजर आ रहा है विदा पीपल के रूप में। तो हम सभी को चाहिए कि मैक्सिमम समय हम जिस स्तर से भी जोड़ सकते हैं जुड़े और जीते आगे बढ़े। अब हमारे बीच देव कुमार अनुरागी साहब हैं, अपने वक्तव्य रखना है तो आप अवश्य रखें संक्षेप में। देव कुमार अनुरागी साहब आपका हैंड रेज है, सुन पा रहे हैं देव कुमार अनुरागी साहब? और कोई साथी हमारे बीच? जय भीम जय भीम जय भीम। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? जय भीम जी सर पहुंच रही है। जय भीम सर, काशीराम जी का योगदान जितना थोड़ा सा मैंने उनको जाना था कि पॉलिटिक्स में अंबेडकर साहब ने भी
कोशिश की थी लेकिन वो विद्वान थे पॉलिटिशियन नहीं थे तो वो फेल हो गए। और उसको जो सोशल इंजीनियरिंग है उन्होंने नाम दिया था काशीराम जी। सोशल इंजीनियरिंग में हमारी जो अक्सर बातें होती हैं जितने हमारे विद्वान लोग हैं वो कास्टिज्म की बात करते हैं कि ब्राह्मणों ने हम पे अत्याचार किए वो अपर कास्ट है। और लेकिन सच्चाई ये है कि जितने एससी कम्युनिटी की कास्टें हैं हमारी वो भी सारी आपस में बटी हुई हैं कि हम ऊपर हैं हम नीचे हैं। तो मेरे विचार से जब तक एससी कम्युनिटी में इंटर कास्ट मैरिज शुरू नहीं होगी तब तक वो एक नहीं होंगे। बस संक्षेप में मुझे इतना ही कहना। जी बिल्कुल सही कहा रवि सर आपने, सहमत है आपकी बात से। रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तब तक एक नहीं होंगे, बिल्कुल है 100% मैं समर्थन करता हूँ सर आपकी। सर मेरा विचार है सभी कामों के लिए हमें समाज के बीच तो जाने पड़ेगा ना, उनको समझाना तो पड़ेगा ही ना, या रोटी बेटी का संबंध हो या समाज को जागरूक करना हो या राजनीति करनी हो या सरकार बनानी हो, तो सबसे पहले मैं समाज को जगाने के लिए सर ये तो उनके बीच में तो जाना पड़ेगा ना कि हमें रोटी बेटी संबंध करना और एक दूसरे के जब हम करीब आएंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। राधे राधे श्याम जी। जी सर। राधे श्याम जी। सर ये अंतर जातीय विवाह करने के लिए भी सबसे पहले तो जरूरत जुड़ने और जोड़ने की पड़ेगी ना। बिल्कुल सर। भाई ऐसा तो है नहीं, जब तक हम जुड़ेंगे ही नहीं आपस में तो ऐसे किसी के साथ कहीं भी कहाँ किसको जाकर अपने रिश्ते करें अपने बेटे बेटियों के, जब तक आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली जरूरत तो जोड़ने और जुड़ने की है, ये छोटी सी बात समझने की जरूरत है सबसे पहले, बाकी सब तो काम अपने आप हो जाएंगे। हमारे बीच और जो भी साथी 76 लोग हैं जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं हैंड रेज करें, या परियार सर देखिए आप देर से जुड़े हुए हैं कौन लोग रह गए हैं परिचय से या वक्तव्य रखने से। हैंड रेज उनका था विनोद कुमार गौतम जी कहना चाह रहे थे कुछ। हाँ तो बोलिए, बुलाइए सर बुलाइए, विनोद कुमार गौतम जी को बुलाइए सर, सुन पा रहा हूँ तो अपनी बात रखें। आ गया, आ गया। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमोद्धा है। जी सर आप सब मुझे समझ सुन पा रहे होंगे शायद। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर इसमें मेरा जो वक्तव्य है या मैं अपना जो अनुभव शेयर करना चाहता हूँ वो तो मेरा अनुभव कुछ इस तरह का है कि 1990 का जो दशक रहा है जी, 1990 के दशक में जो मिशन मूवमेंट का काम बड़ी मजबूती से हुआ उसके बाद कारवा कुछ स्लो हो गया, कुछ धीरे धीरे हो गया, या जो लोगों को मिशन के लिए या धार्मिक कामों के लिए हमारे बहुत भिक्षुओं को इस काम के लिए आगे कराया आपकी आवाज बंद होगी, बौद्ध भिक्षु भी हमारे उस काम को पूरा की उन्होंने कोशिश करी। और कई जगह ऐसा देखने को मिला है जो भंते लोग हैं आदरणीय भंते जी उनको ये होता है कि वो शहर में या गांव में या अपना भिक्षाटन के लिए नहीं निकलते हैं ना, लोगों में वो धमदेसना के लिए निकलते हैं। तो जो मिशन मूवमेंट है मान लो हमारे जो पढ़े लिखा समाज है या तो उसकी जिम्मेदारी या फिर समाज में जो हमारे धार्मिक जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं